हवलदार साहब, हवलदार साहब, अबे हवलदार साहब, टाइम टाइम का का बार बार टाइम पूछे तारा, चैन से सुते भी नहीं खेते। सुता सुता सुते ही के तो पैसा लेता रहा लोग, सुता कहाँ जाले, कहाँ कहाँ से लोग। है भाई इतना टाइम, अबे चल यार ना जाएंगे, अबे चल जाएंगे, ठेलो मत। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरे कॉल पर, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल। अबे गोधन, ई तोर बाल बनावे वाला कैंची ना, साइकिल है तनी लहे लहे पैडिल मार। लहे लहे का चलाई बाबा जी के ठुल्लू, आज बुधवार के दिन एक तो दुकान पर आज ग्राहक तक भीड़ लगल हुई, और जो बेचारा वहाँ अकेले हमारे इंतजार करत हुई, और ये काम तो तू अकेले भी कर सकत रहला। अबे अकेले कैसे करती बे, साइकिल चला के अगर अकेले बैंक जाती तो मैं बनूंगा करोड़पति में, फोन कैसे लगेती पागल। ये काम तो तू फुर्सतों में कर सकत रहला। अबे 24 घंटा 1440 मिनट 46,400 सेकंड में किस्मत कबो भी चमक सकेले, यही से खात पियत अगत मुतत हमेशा हम मैं बनूंगा करोड़पति में फोन लगावत रहिले। ससुरा कबले बीजी बताई, कबो तो लागी कबो ना लागी। अरे हाँ भाई जिंदा बाड़े। हाँ भाई गोदन, साइकिल टूट गई रे। हाँ भाई, अरे भाई रे भाई, बाप रे बाप, लौके के लाम ना चश्मे चाहिए, मार के तोड़ दे लू। हमनी के तो टूटबे करी जाओ, साइकिल भी टूट गई। चलो साइकिल बनाओ के पैसा निकाल। निकाला पैसा? हाँ। हम तो पैसा घर ही भूल गई नी। अच्छा, धक्का मार के नहीं को बुला, अब पैसा लिया के भूल गई। हाँ। तो उका कर जला करे चेक चेक। हाँ चलो चेक दो। हाँ। चेक निकाला, पैसा देखे तो चेक कहाँ से हुई? अच्छा हा? पैसा नहीं के चेक नहीं के, गरीब लड़की भाई थोड़ा ज्यादा यार। अबे मारब एक लपन ना बाप के नाती, ए हर जाना तो के भरे के बड़ी साइकिल बनावे के। हर जाना, हर जाना देबे खातिर हमरे पास एगो चीज बा। हाँ तो जल्दी दा। दे दा चुम्मा। चुम्मा, अरे पैसा का चीज है यार, हाथ के बैल आ जा काल ना रही। ठीक है ये दे दा। नहीं नहीं, हमरा के हमरा साइकिल हमार टूटल, चुम्मा तू लेबे। अच्छा चलावा तो हम रहनी है, जान के खतरा तो हमारा रहला। यही से यही से मैडम, तू एकरा के ना चुम्मा हमरा के दा। सुनो तो दोनों झगड़ा मत करा, हमारे पास एगो और ऑफर बा, जैसे कि तुम दोनों की चुम्मा मिल सकेला। दोनों के? अरे वाह, कैसे? बताओ। तू लोगन के पास मोबाइल तो है देखो। हाँ ना। ठीक बा, एक के मोबाइल पे चुम्मा मिली और एक के डायरेक्ट। अच्छा। अब तो दोनों डिसाइड करला के मोबाइल पे चुम्मा चाहिए के डायरेक्ट। हां लिखवा दे, लिखवा दे। हां ता हम तय कर लेनी। हां तू मोबाइल नंबर लिखा। हां हां लिखा। 7-7-2-2-14-1-7-14-1-7-14। अरे हमार नंबर वा का लिखवा दे। काहे कि तू लेबा मोबाइल पर चुम्मा और हम ले डायरेक्ट। अरे बड़का चालू बने तारे। अच्छा डायरेक्ट चुम्मा लेबे। देख रहा है तेरे चुम्मा सामने हाथ पता का देख रहा है। साइकिल साइकिल तो हम चलाते हैं। यही बताओ हमारा बीचवा में काहे घुसन जाता है? तू काहे हमारा बीच में घुस जाला? हैं तोरा बीच में हम घुसी ले। अभी तो घुसला। अरे चल। अरे अरे बाय बाय। हे भगवान जी, हे भगवान जी, बा मन गाओ जाए। चेंज कबले होई हमार लाइफ स्टाइल। चला चला। हे भगवान जी बा मनिया हो जाए, चेंज कब होई हमार लाइफ स्टाइल। अरे दिने में सपना मौत देखा भाई। हे भगवान जी बा मनिया हो जाए, चेंज कब होई हमार लाइफ स्टाइल। ब्यूटीफुल बेबी है भी हाथ में मोबाइल। हेलो के बोला था? हम तो बबली। बबली? हम तो बबली बोला तानी, कहब बाड़ा खोज तानी। हम तो बबली बोला तानी, कहब बाड़ा खोज तानी। Oh,
दुनिया देखे में लगे स्मार्ट हो, कब्र जवान के पास छोड़ा बुढ़ो के धर के हाथ हो। हेलो कहाँ बड़ा जाले अभी तक अयला ना। नंबर नोट करा 9565133622 समझ लो तू। हाय चिकनी चिकनी तोहरी बदनिया देखे में लगे स्मार्ट हो, कबरू जवान के बात छोड़ा बुढ़ो घर के हाथ हो। हेलो के बोला था? हम तो बबली बबली हम तो बबली बोला था खटिया का करब संगतिया। गोदान चल तनी बार काट देता। बार काट दा? देखा राजा ऐसे काम ना चली भाई। अरे हम काम करे नी भाई, बाबू माने ला बिन पाई के। अभी पिछला उधारी 370 रुपए तू देला ना, और फिर कहा तारा बार बनावे के, पहले पैसा था बस। अरे यार हम तो उधारी सब दे। अरे ना ना राजा बाबू, हमरा के गोली मत दा। अभी मत कहिया कि हम करोड़पति जीत के आई तो तुहार पूरा पैसा दे दे, पहले पैसा बस। अरे यार तू हमार दोस्त हवे ना, तू सब हम कुछ नहीं के जाना, पहले दाम ओकरा बाद तुहार काम, बुझला। हाँ। ना बनिबे ना ना बनिबे ना ना ना। हाँ हाँ निकाला निकाला पैसा निकाला। इस रूट की सभी लाइनें बेस्ट है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ना बनी बे ना ना ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरे कॉल पर है, कृपया थोड़ी देर बाद। राजा गोदन तोरा के राजा के बार बना देवे के चाहिए यार। अरे भैया पैसा मिले तो सब कुछ बना दे। का मैडम, ओ दिन तो धोखा दे के भाग गेलो, लेकिन आज तो तोके हमरा के चुम्मा दे वही के पड़ी। तो हम कहा मना करे तानी, आ बोले लो चुम्मा। का करा तारा, इतना सुंदर सुशील लड़की के भले बाजार में चुम्मा ले बा। अगर हम तो के सुनसान जगह पे एक को चुम्मा की जगह चार को चुम्मा दे, अरे तब तो बहुत मजा आ जाए। तो चला चला गाड़ी में बैठ। चलो चलो। डार्लिंग गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं के हो। तनी अकेली बाहर जाके गाड़ी के धक्का देके अपन मर्दान के दिखावा ना। का ना देखा तू अकेला ठेल के चालू कर देता नी। बार बार जाली, नेक्स्ट टाइम चार को चुम्मा ना, आठ को चुम्मा ले ली हा। का भगवान
सुनले बानी कि तू हर आदमी के मनोकामना जीवन में एक बार जरूर पूरा करेला। हमार करोड़पति बने के सपना तो पूरा कैला ना। कम से कम ऐसा वो चमचमा चीज हमारा झोली में डाल देता, जीवन सफल हो जाए प्रभु। हेलो हेलो हुज देयर? हेलो मे आई नो हुज कॉलिंग? हेलो 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 नमस्कार, मैं बनूंगा करोड़पति से, मैं शीतल बोल रही हूँ। मैं बनूंगा करोड़पति? हेलो व्हाट्स योर गुड नेम? गुद्दम गुद्दम ना हम गोदना गोदन गोदन बोलता नहीं देवी जी, राजा के दोस्त फ्रेंड रवा 2 मिनट रुकी, हम अभी राजा के फोन देता नहीं। चलो 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 राजा 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 ही देखा फोन करोड़पति में लाग गई बा। मजाक नहीं कर भगवान की कसम भाई साचो में। हेलो नमस्कार, मैं बनूंगा करोड़पति से, मैं शीतल बोल रही हूँ। हां देवी बोली बोली बोली। मैं आपसे एक सवाल करूंगी जिसका उत्तर देने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? अरे हम एकदम तैयार हैं। पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है। अरे यार फोन लगा करोड़पति में। अरे जल्दी पूछिए। आपका सवाल है, ऐसी कौन सी मछली है जिसका वजन 10 हाथियों के बराबर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शार्क, बी व्हेल, सी रोहू, डी स्टार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। का भाई? अरे 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 आपका जवाब बिल्कुल सही है। हेलो मालिक, हम चुना गए नहीं। क्या मतलब हमारा चयन हो गई? नहीं मिस्टर राजा, अभी नहीं। ये चयन की पहली प्रक्रिया थी। दूसरी प्रक्रिया में सही जवाब देने वाले लाखों प्रतियोगियों में से 10 भाग्यशाली प्रतियोगियों का चयन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपका नाम उन 10 भाग्यशाली प्रतियोगियों में शामिल होगा तो आपको बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा। अच्छा। अब आप अपना मोबाइल नंबर और पूरा पता लिखवाइए। हाँ लिखिए, राजकुमार उर्फ राजा बाबू, ग्राम तड़वा, पोस्ट बसेवा, जिला गाजीपुर, पिन नंबर 27-5-2-0-5। हाँ तो मिस्टर राजा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज हो चुका है। अगर इसके अलावा और कोई भी नंबर है तो आप बता दीजिए। हाँ लिखिए, 97-0 सूत के, 98-0 उठ के, मतलब मतलब 97-0-87, 98-0-88। जी धन्यवाद मिस्टर राजकुमार जी। एक बात बताई देवी जी। क्या? आपके आवाज बहुत मीठ बा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राजकुमार जी। मैं बनूंगा करोड़पति की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। ओके बाय। थैंक यू। पगला गल बड़ा कारे डमरू, अब तो अपन मुकरिया काले। हां कहे कि राजा के फोन करोड़पति में लाग गइल बा। अरे बाप ना मारे चिरई और बेटा तीरंदाज। ए बकचोनर, करोड़पति का खेल कौनो गाजर मुरई ना। ओइजा प्यारे बड़े बड़े 30 मार खा के भी ना हवा निकल जाले। देखा बे करोड़पति में तो तोर बाप भी ना पहुंच सकेले। आ? बाप के नाम कैसे ले रहा है? जो बाबूजी डमरू अभी कम नहीं के चुप। पागल
का रे डबड़ू, दिन पर दिन तोहरा गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है। चाचा मार गलती ना हुआ तो जो पागल चुप, चल तो यहाँ से चला ना। चला टोली, चल हम कुछ हुआ सुने के नहीं खींचा राजा, ब्याह तो तोरा कर ही के पड़ी, आ जब ले तोहर ब्याह ना होगी तब ले तोरा लून तेल के भाव के पते ना चली। ना कर ब्याह। अरे कहे ना करबे, ना करब तो ना करब। अरे कल जिंदगी भर भाड़ बनल रहबे, कहे ना करबे ब्याह। पहले हम साथ करो जीता, ओकर बाद ब्याह कर। हाय देखा बर बर बाद बा बकरी भारत बाद अलिया में तेल ला अब बाती भारत बा। अरे करोड़पति जीते खातिर दिमाग चाहिए, उतना बढ़ते नहीं खे। पांचवी फेल, करोड़पति जीती है। बाबूजी अपने देश में अंगूठा छाप लोग बड़का बड़का काम कर ले बा, हम तो वो लोग से पांच करस आगे बानी। देख लिया 7 करोड़ जीतबो करब और हम इतिहास बनाई। अरे तो का इतिहास रचे वाला ब्याह न करेला, तोरा ब्याह कर ही के पड़ी। अरे बाबूजी आज एक करोड़पति में फोन लागला, वो लोग के सवाल के सही सही जवाब देनी है। और माई करोड़पतिया देवी काली है कि वो लोग जल्दी हमके मुंबई बुलाई। कब ले बुलाई? अब 1 महीना के भीतर। अगर 1 महीने के भीतर खबर ना आई तब हाँ, तो ओकरे बाद जो तू लोग कहबा हम कर ले। तो ठीक बा, तू बचल ना कि तू ब्याह करबा। हाँ ठीक बा, हम ब्याह कर ले। ना बेटा तू अपने माई के सिर पे हाथ रख के बचल ना कि तू ब्याह करबा। बचन दे के फंस जाए तब इमे फंसे के कवन बात बा राजा। अरे तोहरा के विश्वास वाना की तोहरा के फोन आई। अरे हाँ भैया जरूर फोन आई। हाँ देवर जी, वैसे आपके भरोसा भी बा कि आप 7 करोड़ जीत जाए। हाँ बहुजी तू देखिए हम 7 करोड़ जीता। तो फिर वचन देवे से काहे घबराहट बाला चाचू? अब हम घबराहट नहीं की। दे दी वचन भैया। अच्छा ठीक बा ठीक बा, अब अगर 6 महीना के भीतर, हाँ वह वह, अगर 1 महीना के अंदर फोन ना आयल तो तू लोग जहाँ कब हम भी आकर ले। तो ठीक बा, जा बेटा तू करोड़पति जीते के तैयारी कर, हमनी के तोरे ब्याह के तैयारी करन वाली। तुलसी भैया पार लगावा नैया, तुलसी भैया पार लगावा नैया, तुलसी भैया जल्दी पार लगावा नैया, तुलसी भैया पार लगावा नैया, तुलसी भैया पार लगावा नैया, तुलसी भैया पार लगावा। चुन्नी के पापा यहाँ ना जल्दी से। अब है देखिए बाबा जी क्या करते हैं। महाराज जय मोबाइल, महाराज जय मोबाइल, महाराज। हे तुलसी मैया, हम अपना बाबू जी के चक्रव्यूह में फंस गई बानी, और अगर 1 महीना के भीतर करोड़पतिया देवी के फोन ना आईल तो हम अपन झूठ टरकावे वाला बात में खुदे फंस जाए, और इस सुंदर सुशील लड़का के गोबर पोते वाली लड़की के साथ पूरा जीवन बितावे के पड़ी जो हम बिल्कुल नहीं की चाहत। तुलसी भैया पार लगावा हमार नैया, अब तो बस तोरे भरोसा बा माई, हमार मिला सोके से बचा ला प्लीज। हाँ करोड़पति देवी, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे आ दो हमरा को जोर से लगल बा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, मंगल। बिल्कुल सही जवाब। बाजा
ना तो हमार किस्मत फूट जाए। अरे अब ना बजबा तो कब बजबा? ओए चाचू अभी फोन नहीं बाजी, अब तो सिर्फ सेनाई बाजी सेनाई थोर भी आके। लो चला मैं अपने बेटे के लेके बारात, लो चला मैं। कौन लोग जा भी आ करेंगे बा? राजा राजा है देखा करोड़पति से फोन आ गए बा। देख मजाक मत कर भाग यहाँ से। अरे अरे हम मजाक नहीं के करे भाई, सही में करोड़पति से फोन आ गए बा। एक और थोड़ा दिनौदी थे बा, अभी विधि विधान के समय बा, तोरा हंसी ठिठोली सूझ रहा बा, चल जाओ यहाँ से। बाबूजी माफ करी राजा, हमके हमार दोस्ती के कसम भाई, हम सही कहा था नहीं। एक मिनट अभी स्पीकर चालू करा था नहीं, तू बात करा। ये मैडम इले राजा बाबू से बात करा। ओके हेलो मिस्टर राजकुमार। हेलो करोड़पति आले भी नमस्ते। नमस्ते। अब राजकुमार बोला था नहीं, राजा बाबू। बधाई हो राजकुमार जी, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं बनूंगा करोड़पति के 10 भाग्यशाली प्रतियोगियों में आपका चयन हो चुका है। का? हम चुना गए जी? जी हाँ बिल्कुल। साचो में राजकुमार जी, आपको इसी महीने की 15 तारीख को मुंबई पहुंचना होगा। 15 तारीख क्या? आज 13 तारीख मतलब परसों पहुँचे की पड़ी। इस बार हमारे शो मैं बनूंगा करोड़पति का सीधा प्रसारण 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। सीधा प्रसारण होके जाता? जी हाँ बिल्कुल। मैं इसी नंबर पर आपको हमारे मुंबई ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस एसएमएस कर रही हूँ। राजकुमार जी हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परसों पहुँचे कबा? देखा राजा, तब तो तोहरा क्या हाथ, अभी निकले को पड़ी यार। बाबूजी शरत के अनुसार आपके मर्जी से हम बियाह कर लेनी ना, अब हमरा के करोड़पति खेले जाए थी बाबूजी। बाबूजी हमार सपना पूरा हो जाए। देख राजा, अरे करोड़पति एगो खेला, बाकी बियाह खेल नहीं खेल। एगो बात मालूम बा, अरे कितना अरमान लेके गेल लईकी आज हमरा घर में कदम रखला सा। आ तू कहत अरे के हमरा के जायदा कब बोला कबो न जाते, जब ले ये बियाहे के पूरा विधि विधान पूरा न हो जाए तब ले तू कहीं न जाइबे कहू ना। जिंदगी के खेल अजूबा केहू समझ पावे ना, इंसान के हाथ बा कुछ बस सपना लाख सजावे, बस सपना लाख सजावे। बबुआ हो बबुआ हो बबुआ हो
बहू जीत मिलेला, हार में कबहू जीत मिलेला, जीत में कबहू हार, दुख सुख में जे साथ रहे उहे तहवे परिवार। प्यार मोती के हमाना एक धागा में गुथाला, प्यार मोती के हमाना एक धागा में गुथाला। आपन आपन किस्मत लेके दुनिया में सब आवेला, मौका कबहू मिलेला ऐसन सूतल भाग जगावेला, सूतल भाग जगावेला। बचवा पुकार मांगे छुटको के अधिकार, चाचू जीत जाई ना। बचवा पुकार मांगे छुटको के अधिकार, चाचू जीत जाई ना। आई है खुशियां घर हजार, चाचू जीत जाई ना। बाबूजिया रजिया हमार, मकान बार बार आवेला, हाथ जोड़ी राउर करीले गोहार, मकान बार बार आवेला, मकान ऐसन बार बार आवेला, मकान ऐसन बार बार आवेला। अतने मांगता वाह बहु वाह, तोहरे बात सुन के हमार जिया जुड़ा गए। तू ठीक है कहत बालू बहू कि तकदीर एक ही बार दरवाजा खटखटावेला, बार बार ना। जो राजा जाए के तैयारी करा। बाबूजी हमू चल जाई का राजा के साथे, हमरो बड़ा मन है मुंबई देखे के। हाँ बाबूजी गोदला के भी जाए था, वैसा हूँ एक संभाला दू, ये रही तो बहुत बढ़िया रही। जो चल चला चला राजा, मुंबई जाए के तो हम तोरा के इजाजत दे देनी, अगर हमरे इज्जत और मान सम्मान पर कोनो आंच आइल तो हमरा से बुरा कोई ना हुई। कितना टाइम लगाओ तेरे यार, चला चला आगे बढ़ो, बढ़िया से लगाओ, सादा पान मस्त रगड़ के मीठी चल। उस्ताद पहले बताओ, पहले बताओ, चल बोल उस्ताद, देखो खुशखबरी का कितना बार कहानी है रे, रिंग टोन बदल जब भी धुन बजाला पता ना हमरा के का हो जाला। हाँ बोल का खुशखबरी है उस्ताद, राव रास्ता के काटा रजवा करोड़पति बने बंबई जा रहा बा। हाँ खुशखबरी है सालों, ठीक कहीं नहीं उस्ताद, अरे खुशखबरी तब हो जब रजवा करोड़पति बन जा। तो नहीं हमार दोस्त बाड़ा की दुश्मन रे करोड़पति बनी, अपन ख्याल रखिया टाइम से खाइया पिया ना रजवा कर। अरे इतना इधर आओ तो पाल लगाओ, पाल लगाओ। हाँ डबरुआ तू पाल लगाओ, मौका देखा तुम्हें आओत में देखी। अरे मानर ना ही हमू देखत, अरे कंचा पड़ा देख ले जाता नहीं मुंबई करोड़पति खेले। ए डर फुरफुरा मत, जब करोड़पति वाला सवाल पूछिए ना तो कुल हेकड़ी पानी के बुलबुला नियन फूट जाई। अरे फूटी ना जूटी, वो सात करोड़। सात करोड़ फोन पे को सवाल के जवाब का दे दे, ते अपने आप के रोहित शर्मा पूछा तारे कार है जवान, एक दिन में 264 रन मार ले रहा है। अरे सात करोड़ ना, सात को बारह ना उखाड़ ना। बाबूजी रुका, अजीत गनी तब रे तो जूता के माला उस्ताद के पाना दिया। हाँ बीका बोला था, क्या कह रहे
पहले ही जीता है। अरे उस्ताद इस बार जन्म न जीत पाई। तब ठीक, अगर ते हार गए ले तो जूता का माला तोड़ा के हम पहराई। अच्छा, तो जूता का माला पहने खातिर तैयार रहिए। अरे ता तैयार रहिए, जूता का माला पहना खातिर क्या? जूता का माला पहनाई, जूता का माला पहनाई काम पति बनी है। अरे बस पाया चलो तो के देख ले। अरे भाई जरा ना चला अरे नाना चिंता मत कर, पालगी पालगी बाबू जी प्रणाम माई। तू तो हुकुस हां दा अरे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिया। हां ठीक है, तुम चिंता मत कर, ठीक से जइया। अब बेटा ख्याल रखिया, अब जीत के आइया। हां जीत के आई, जीत के। सर राजकुमार जी आ गए हैं। डॉली लीजिए, मिस डॉली भी आ गई। वेलकम वेलकम मिस डॉली। हाय, आई एम डॉली सिंह। हेलो, आई एम मोना और यह है एपी मिस्टर प्रेम गुलाथी। ऑनर टू मीट यू मिस डॉली। एंड ही इज माय ब्रदर Lucky. And he's my friend, Jackie. Nice to meet you. और अब राजकुमार, राजा बाबू, हम हो या करोड़पति खेले आए बानी। Good, 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 good. Miss Jolly जी, yes. आपके 9 competitor में से एक Mr. राजकुमार। Okay. राजा बाबू। It's okay, बहना. It's okay. You idiot! Are you out of your mind? Dehati Gawar! Yes! What is Jolly, happening? Excuse me, ma'am. Please cool down. Come, come, please. Hey, you two! Come fast! Dolly! I don't know one from sec. Where these people come. Ye banega karor pate. Fastest finger fast mein phasega. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब और सादर अभिनंदन आप सभी का। मैं रवि किशन इस अद्भुत लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सबसे बड़ा सम्मान। मैं बनूंगा करोड़पति। और ये रहे हमारे 10 जुनूनी भाग्यशाली खिलाड़ी। हाय, आई एम मेहुल फ्रॉम दिल्ली। आई एम गौरव शर्मा मथुरा से। हाय, माय सेल्फ डॉली सिंह, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ मॉडल। टुडेज विनर इज मी। हाय, आई एम रीता, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम। नमस्कार, हमारा नाम राजकुमार उर्फ राजा बाबू है। हम ग्राम टड़वा पोस्ट बसेवा जिला गाजीपुर से आयल बानी। टीवी में दिखाता आना नहीं, हमो की दिखाता। हम काम तो कुछ ना करी ले। हाँ, सपना बहुत देखी। तो देवी और सज्जनों, इनमें से कोई एक मेरे साथ हॉट सीट पर बैठेंगे जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सवाल का जवाब सबसे पहले सही देंगे। तो इस दौर के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पता लिखने के अनुसार इन स्थानों को बढ़ते क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस ये रहे, ए तहसील, बी पोस्ट, सी जिला, डी ग्राम। समय समाप्त होता है, देखते हैं सही क्रम क्या है। डी ग्राम, फिर बी पोस्ट, उसके बाद ए तहसील और अंत में सी जिला। वाह, सभी प्रतियोगियों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब दिया है डॉली।
श्रीमान राजकुमार जी ने। स्वागत उस्ताद। हॉर्स सीट पे बैठना मतलब थोड़ा ही सबका और जीत चाहिए। अरे खाली। तो देवी और सज्जनों, आज हमारे सामने गरम आसन पर विराजमान है टणवा गाजीपुर उत्तर प्रदेश के 28 वर्षीय श्रीमान राजकुमार जी। राजा बाबू। राजा बाबू स्वागत है आपका। तो राजा बाबू चलिए आपको इस खेल का नियम बता देते हैं। मत बताइए भैया, हमके कुल मालूम बा। ओके, तो राजा बाबू आइए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है मैं बनूंगा करोड़पति। तो राजा बाबू लेट्स प्ले। 10,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस लोकाक्ति को पूरा करें, सिर मुड़ाते ही खाली स्थान गिरना। और आपके ऑप्शंस हैं ए बाल, बी उस्तरा, सी ओले, डी नाई। राजा बाबू क्या हुआ भैया, हम गोदना से पूछ सकीला का? जी नहीं, इसके लिए आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक बात कर दी। टिक टिक महाराज, शांत हो जाइए। तो राजा बाबू बताइए आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाहते हैं? पहला वाला। ओके, तो देवी और सज्जनों आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो जो ऑडियंस का वोट है उस हिसाब से सबसे ज्यादा सी ओले को 77%, ए को 6%, बी को 6%, डी को 11% मिले। तो राजा बाबू बताइए क्या आप ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहेंगे या? हाँ, ऑडियंस के साथ। हाँ। तो कंप्यूटर महाशय सी ओले को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड ऑडियंस, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल, थैंक यू। तो राजा बाबू आप 10,000 रुपए जीत चुके हैं और साथ ही आपकी एक लाइफलाइन खत्म भी हो चुकी है। तो आप सोच समझकर खेलिएगा बाबू। जी भैया। अब आपके सामने आ रहा दूसरा प्रश्न 40,000 रुपए के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर बताइए कि ये आवाज किस बॉलीवुड अभिनेता की है। कंप्यूटर जी प्लीज प्ले द ऑडियो क्लिप। ओ साहब, कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई शक? ओके, आपने ऑडियो क्लिप ध्यान से सुना है, अब ऑप्शन सुन लीजिए। ए मनोज बाजपेयी, बी राज बब्बर, सी मिथुन चक्रवर्ती और डी अमिताभ बच्चन। मिथुन जी का आवाज रहा है। आर यू श्योर? हाँ, लाग कदी लाग कदी। ओके, कंप्यूटर महाशय सी मिथुन चक्रवर्ती को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल सही जवाब। आप 40,000 रुपया जीत चुके हैं राजा बाबू। राजा बाबू अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न जो आपको देगा 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन से देश में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है? और आपके ऑप्शन? अपने देश भारत में। अरे राजा बाबू, मुझे अपने ऑप्शन तो देने दीजिए। अच्छा ठीक बा। ऑप्शन ए भूटान, बी लिबिया, सी जापान और डी मॉरिशस। लागत हमार जवाब सुन के कंप्यूटर महाराज अब सनमे बदल दे। लेकिन कोनो बात ना, एहू में हमके पता सही जवाब मॉरिशस। श्योर है? हाँ एकदम, कर दे कर दे। तो कंप्यूटर महाशय डी मॉरिशस लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 1,60,000 रुपए।
तो राजकुमार जी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपको देगा 6,40,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सन 1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में हिंदुस्तान के किस वीर सिपाही ने पैटर्न 7 टैंक्स उड़ाए थे? और आपके ऑप्शंस है राजा बाबू, ए संग्राम सिंह, बी अब्दुल हमीद, सी वीर बहादुर सिंह, या डी फारूक अंसारी। वीर अब्दुल हमीद पे लगा दी। आर यू श्योर? हाँ। ओके कंप्यूटर महाशय, बी अब्दुल हमीद पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड, वेल प्लेड राजा। बहुत बढ़िया राजा, वो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपको ये? हाँ, अरे उनके पता गाना बना ला। अरे खुनावा के होली खेल ले, भूली गई ले ईद के, 65 के क्रांति नामे अब्दुल हमीद के, 65 के क्रांति नामे। टीवी बंद कर रे, बंद कर टीवी रे। और वो आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न, जो आपको देगा लाइट आधा घंटा। राजा बाबू अब आपके सामने आ रहा है दसवां प्रश्न, जो आपको देगा 50,00,000 रुपए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऐसी कौन सी सेवा उपलब्ध है जो बैंक बंद होने के बाद भी कहीं भी किधर भी पैसे भेज सकते हैं, वो भी बिल्कुल सुरक्षित? और आपके ऑप्शंस है राजा बाबू, ए दोस्त द्वारा, बी मनी ऑर्डर द्वारा, सी हवाई जहाज द्वारा, या डी वोडाफोन एम पैसे द्वारा। हाँ भैया, इतना वोडाफोन एम पैसा। हमारे गांव के जितना लोग बाहर कमाए गए शहर में, सब लोग वोडाफोन एम पैसा से पैसा भेजे लगावे। हाँ, इस सर्विस से सब लोग बहुत खुश बा। कहे कि पैसा भेजे का ही बहुत सरल तरीका। तो लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दी, लॉक कर दी। ओके, तो कंप्यूटर महाशय डी वोडाफोन एम पैसे को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 50,00,000 रुपए। बहना चिंता मत करो बहना, ये ना पानी का बुलबुला है बहना, पानी का बुलबुला, ये बहुत जल्दी आएगा, तुम्हारा नंबर लगेगा बहना। हाँ। 50,00,000 रुपए का ये चेक आपके नाम। तो समझे, 1-2-3 घर वालों का नंबर डालो, क्रम डालो, सीक्रेट पिन डालकर सेंड दबाओ। सही में एकदम अद्भुत सर्विस। आप चाहे तो घर जा सकते हैं, चाहे तो आप अगला पड़ाव खेल सकते हैं। हम जोड़े खातिर आए बानी, खेलो। ओके, जिला जवार का नाम रोशन करके आवा भाई। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न, वो भी 1,00,000,000 रुपए के लिए। 1,00,000,000 रुपए के लिए ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 26 जनवरी 2015 को किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे? और आपके ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका, बी चाइना, सी पाकिस्तान, या डी जापान। क्या हुआ राजा बाबू, इस तरह सर पर हाथ क्यों रख दिए? अरे भैया, 26 जनवरी के झंडा रोहण हम देखे वाला रानी टीवी पर, बाकी गोदना की वजह से ना देख पाऊंगी। क्या हुआ था? सवेरे सवेरे ही हमके लेके चल गल नदीप अपने गर्लफ्रेंड से मिलावे। अरे गोदना, रुक आ जा, तुके बताओ। अरे 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 अरे। राजा बाबू, ये शो लाइव चल रहा है, आपके इस अभद्र व्यवहार के कारण आपको इस शो से हम निकाल सकते हैं। ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होगी। ओके बैठिए आप। राजा बाबू, आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप लाइव शो पर हैं। हम क्षमा चाहता नहीं भैया, हमरा से गलती होगी। राजा बाबू आइंदा ध्यान रहे।
तो बताइए क्या करना चाहेंगे आप? आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है राजा बाबू। लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड। हम फोन पे बात करब अपना बाबूजी से। ओके कंप्यूटर महाशय, राजा बाबू के पिताजी को फोन लगाया जाए गाजीपुर। हेलो बालाजी, बाबूजी हम मैं बनूंगा करोड़पति से बोला था रवि किशन। हाँ रवि किशन जी, खुश रही बाबू। मैं बनूंगा करोड़पति से आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अच्छा तो बाबूजी जैसे जनता हो बाकी आपका लेकर राजा बाबू इधर। मैं बनूंगा करोड़पति में खेलत बाड़न और बहुत बढ़िया खेलत हैं। 50 लाख रुपया तक जीत चुकल बाड़न। अब उनके सामने जौन सवाल आयल बाटे वो 1 करोड़ का बा। और हमके पूरा यकीन बाटे कि आप उनके 1 करोड़ के सवाल में मदद करबा। तो बड़ा ध्यान से सुनिया उनकर सवाल। आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय बचल बाटे तो अगली आवाज राजा बाबू की बोला हो। हाँ बाबू जी पा लगी। अरे खुश रहो बचवा खुश रहो। अरे रुका खाना वाना खेला कि ना? अरे भाई अब जल्दी से बाबूजी को फोन दे, समय कम है। यार किया यहाँ पर बोला राजा। हाँ बाबूजी। हाँ बेटा। 26 जनवरी 2015 के कौन देश के राष्ट्रपति भारत आए लाले? ए अमेरिका, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी जापान। 26 जनवरी के ये राजा। हेलो ये राजा। हेलो बाबूजी। हेलो खाना खैला कि ना खैला? ऊपर से भूख लागल बा कि ना? कट गई लू। तो आप क्या करना चाहेंगे राजा बाबू? एक गलत जवाब आपके सपनों को तार तार कर देगा। ए राजा। ए ए पे लगा दे बाबूजी। कहले हैं ए ए पे लगा दे। लेकिन राजा बाबू हमको लग रहा था कि आपके बाबूजी कुछ और कहना चाह रहे थे। ना ना बाबूजी कहले हैं। आर यू श्योर? हाँ लगा दे। ना राजा। ना राजा भैया। अरे मालिक है ना बोलिए। तो कंप्यूटर महाशय ए अमेरिका को ताला लगाया जाए। राजा बाबू आपने ये क्या कर दिया? काबिल भैया आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। आप 1 करोड़ जीत चुके हैं राजा बाबू। राजा बाबू 12वें प्रश्न पर हम पहुंचे उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं आपसे। जी भैया। आप खेल में रुचि रखते हैं? हाँ भैया, गुल्ली डंडा में मास्टर है। इसके अलावा और किस खेल में रुचि है आपकी? बहुत खेल खेली ला भैया हम। ओला पाती, कबड्डी, आइस बाइस, सरपट, छुपा छुपाई, यो सब खेली ला। क्रिकेट, बैटिंग, बॉल के खेल के बारे में कुछ जानकारी है? क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा तो ना जानी ला। हाँ बस इतना जानी ला कि एक आदमी बॉल फेंकेला और एक वो बैट से मारी घुमा के चौका छक्का। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो राजा बाबू अगला 12वां प्रश्न आपको देगा 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए के लिए 12वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ तो राजा बाबू एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर कितना है? और आपके ऑप्शंस है राजा बाबू ए 262 रन, बी 264 रन, सी 266 रन या डी 268 रन। का भैया हम कहने की क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी ना तो क्रिकेट के बारे में पूछ देनी। ये सवाल बदल दी भैया। बदल दी ना भैया प्लीज। अरे गिल्ली डंडा से ज्यादा कुछ खेल में ना खेला। क्रिकेट का जवाब कहाँ से दी? देखिए राजा बाबू सवाल मैं नहीं सवाल कंप्यूटर महाशय करते हैं इसीलिए क्षमा चाहते हैं। सवाल बदल नहीं सकता। का कंप्यूटर महाशय हमारा से कोई दुश्मन ही बका? देखिए राजा बाबू कंप्यूटर महाशय की ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी। और वैसे भी आप जैसे खुश दिल खुश मिजाज इंसान के साथ किसी की कैसे दुश्मनी हो सकती है बताइए? ये बात ना भैया हमरो एगो दुश्मन है डमरुआ। हम आवत रहनी खेले तो कहलस कि तू 7 करोड़ तक का 7 गो बार भी ना जीत पा। 7 करोड़? फोन पे को सवाल के जवाब का दे दे ते अपने आप के रोहित शर्मा बुझाता रे कार है जवान एक दिन में 264 रन मार ले रहा है। अरे 7 करोड़ ना 7 गो बारो ना उखाड़ पाई बे है भैया 264 पर लगा दी।
फाइनल आंसर राजा बाबू। हाँ हाँ एकदम फाइनल। कंप्यूटर महाशय बी 264 को लॉक किया जाए। राजा बाबू क्या हो गया आपको? आप इतना बढ़िया खेल रहे थे और इतना बढ़िया खेलते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। आपका जवाब राजा बाबू बिल्कुल सही है। ₹3 करोड़ राजा बाबू जो मैं साइन कर चुका हूं और ये चेक ₹3 करोड़ आपके हो चुके हैं। लीजिए बधाई हो। भाई राजा बाबू मैं चाहता हूं कि ये चेक मैं अपने पास सुरक्षित रखूं। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कैसे क्रिकेट के बारे में तो आपको जानकारी नहीं। वो हमारे को दुश्मन है डमरुआ। जब हम आवत रही तो कालस की तू बड़का बैल हुआ। एक प्रश्न के उत्तर दे देला तो तू रोहित शर्मा हो गया। एक के दिन में 264 मार के रिकॉर्ड बना देबो। हमारे दुश्मन हमके बता दे ले रहे कर जवाब। इसको कहते अंग्रेजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरे हमारी वजह से जीत गया इतना पैसा। राजा बाबू अब आपके सामने आ रहा है तेरहवां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। ₹7 करोड़ के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जा रही है? और आपके ऑप्शंस हैं राजा बाबू ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी सेटन हॉल यूनिवर्सिटी, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सच तो बात ही बाकी एकर जवाब हमके पता नहीं के। राजा बाबू जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची हुई और आप 7 करोड़ जीतना भी चाहते हैं। एक शुभचिंतक होने के नाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि 3 करोड़ की रकम भी बहुत बड़ी रकम होती है। वो रकम भी आपकी जिंदगी को बदल सकती है राजा बाबू। तो प्लीज सोच विचार कर कोई भी निर्णय लीजिए या जवाब दीजिएगा। जैया 7 करोड़ जीतब ना तो तू और भौजी रबड़ बटोर के रख ला दोनों जाने रुपया पर रबड़ चढ़ाइया। अरे करोड़पति जीते खातिर दिमाग चाहिए उतना बढ़ते नहीं है। 5वीं फेल देख लिया 7 करोड़ जीतबो करब और हम इतिहास बनाई। जब करोड़पति वाला सवाल पूछिए ना तो कुल हेगड़ी पानी के बुलबुला नियन फूट जाये। अगर ते हार गए तो जूता का माला तोड़ा के हम पहनाए। भैया ये 4 घोंगुरी में से 1 घोंगुरी पकड़ ली। What? बस 1 घोंगुरी पकड़ी। कोई भी खेल जज्बात की रौ में आकर नहीं खेला जाता। खेल खेलने के लिए योग्यता, बुद्धि और ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जीत हासिल होती है। भैया जब हम अपने गांव से चलल रही तो हमारे साथ हमारे सपना के सिवा और कुछ ना रहे। सपना हर हाल में हकीकत होके के चाहे। 7 करोड़ जीतल तो बहुत दूर के बाद हमारा औकात मंच तक आवे के भी ना रहे कि 3 करोड़ के रकम बहुत बड़ो ला। और अगर हम चाहे तब 3 करोड़ लेके यहां से जा सकता नहीं। लेकिन ना मैदान छोड़ के भागे खातिर नहीं खे आए। हम जीते खातिर आए वाली 7 करोड़ जीते खातिर और हम भागम ना। हम खेलब भैया। ओके राजा बाबू मैं दिल से दुआ करूंगा कि आप यहां से जीत के जाए। राजा बाबू लाइए बढ़ाइए अपना हाथ।
बी पे लगा दी भैया। ऑफशोर जी। कंप्यूटर महाशय, बी सैटन हॉल यूनिवर्सिटी पर ताला लगाया जाए। राजा बाबू, मैंने आपसे कहा था, कहा था ना मैंने आपसे कि 3 करोड़ रुपया लेके आप इस गेम से क्विट कर जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने मेरी बात ना मानकर, बात नहीं मानकर बहुत अच्छा किया। मुबारक हो। अरे रुको तो सही, रुको तो सही। अब रुक के क्या करूं? उस चाहिल गवार को जाके बधाई दूं? Congratulations, Mr. राजा बाबू। कंट्रोल बहना, कंट्रोल। गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है बहना। अब क्या फायदा, अब तो खेल खत्म, पैसा हजम। नहीं बहना, खेल खत्म नहीं हुआ है बहना, अभी तो खेल शुरू हुआ है बहना, अगर तुम चाहो तो। मैं समझी नहीं। उस देहाती गंवार को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसके 7 करोड़ को अपना बनाओ। डॉली। थैंक यू। अरे थैंक यू यार। आपकी नजरें हमारी बहन को ढूंढ रही हैं क्या? ना, लेकिन वो इसे बाड़ी कहाँ? वॉच, तुहार बहन कहाँ बाड़ी? मेरी सिस्टर आज बहुत अपसेट है, उसकी आंखों में आज मैंने पहली बार आंसू देखे। कहे? वो इस बात से बहुत दुखी है कि आप जैसे टैलेंटेड, होनहार, सच्चे, ईमानदार व्यक्ति को जलील कर दिया। बहुत दुखी है वो, बहुत दुखी है, मुझे भी रोना आ रहा है। ए भाई, अब रोवा मत, तू देखा रोवा मत ना, तेरे बहन के दुख देख के हम रो लगा। हमारा नाम राजा बाबू है। हाँ। और हम केहू के दुख ना देख सकीले। हाँ बा, कहाँ बाड़ी हूँ। चलिए चलिए, आपको मिलवाते हैं। चलिए 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 चलिए। डॉली, बहना बहना देखो तो सही, कौन मिलने आया है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा बाबू, मैंने आप जैसे सच्चे इंसान का दिल दुखाया है। अगर हमरे इज्जत और मान सम्मान पर कोनो आंच आइल तो हमरा से बुरा कोई ना होई। इसका मतलब आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? ना 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 ना, वो बात नहीं के। अरे हम कोनो बात के बुरा मन में ना करी ले। क्यों भला कहया चाहे बुरा, वेरी गुड, हम मन में ना रखी ले। हम यहाँ 2 सपना लेके आई रानी। ओके, एक करोड़पति बने के। यस, वो तो हम बन गए नी। यस, और दूसर। और दूसरा क्या? डॉली, हमके शर्म लगा था बतावे में। राजा बाबू, आप शर्माइए मत, आप 7 करोड़ रुपया जीते हैं। खुल कर बताइए, वो जीत की खुशी में क्या कहते हैं बहना? We want some party! Dolly, ah! खोले के बाद। अरे राजा, तू तो करोड़पति बन गया। Dolly, boy? Yes. I love you. Do whatever you can do. Thank you. Okay. Dolly. Dolly.
सिवा कोई बेईमानी तोहार पावर हाउस छूले तो देख के दिलवा डाली जी लव यू बोले। यू सपट सपट या दोस्त बना का बोला तारा आप राजा बाबू बन ले मतलब हम करोड़पति बने हैं। ओके बुझला। ओके अब एक मिनट फोन आवा था तरी चुप रहा। ओके कौन है बाबूजी? बाबूजी तो डूब गए। डाली जी क्या कर रहे हो राजा? छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ी भैया तो सटल रही। राजा जिस आग में तुम मुझे जलाना चाहते हो वो हमारे दामन को दागदार बना देगा। अरे भैया मैं कसी राजा बाबू आप हमारे विश्वास करी हम जानबूझ के कुछ नहीं की कहले। अरे यार गोदन तू इंस्पेक्टर साहब के समझाओ ना कि हम बलात्कारी नहीं किए यार। हर बलात्कारी बलात्कार करने के बाद यही बोलता है। हम कुछ नहीं की कहले। तो क्या ये सब तुम्हारे भूत ने किया है? कानून में बलात्कार करने की सजा जानते हो? धारा 374 धारा 374 और धारा 355 354 354 और इंडियन पिनल कोड के तहत उम्र कैद की सजा। और सुनिए हमने चैनल वालों को बुलाया है अखबार वालों को भी बुलाया है कल अखबार की सुर्खियों में छप जाएगा कि मैं बनूंगा करोड़पति का राजा मेरी बहन का बलात्कार ही निकला। इंस्पेक्टर साहब एगो विनती करी कोई बीच के रास्ता ले दे के ना निकल सकेला। इंस्पेक्टर साहब हमके बचा ले। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। का? मेरी बहन डॉली से शादी करनी होगी। हाँ एक मिनट तनी उठा, उठा 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 एक मिनट तनी साइड में लगा था फंस जाएगी। देखा राजा अभी दलदल से बचे के एक ही उपाय है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत किया कर यार सिर्फ एक्टिंग का पैसा मिलेगा ओवर एक्टिंग का नहीं मिलेगा तन के खड़ा रहे। हाँ। अब तो शादी कर ला। का बात करता रहे। सही कहा था नहीं भाई देखा कितना बड़ पैसा वाला हो खेलन उन्हन के एगो ना दू दू बीबी होली दू दू और अब तू 7 करोड़ के मालिक हो गई बाड़ा। हाँ करत रहा दोनों के मेंटेन एक तरफ घर वाली एक तरफ बार वाली घर वाली बुझला। मतलब एगो गाँव एगो मुंबई तम हा कह दी कौन राजा बाबू शादी खातिर तैयार बाड़न। हाँ तैयार। हाँ हो गई लन बहना राजा शादी के लिए तैयार है बहना। लाइए बस हो गया। थैंक यू जीजू। हाँ लीजिए हो गया। बधाई हो आप हार पहनाइए। हाँ 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 ओके। डॉली
नमस्कार, हम बात कर रहे हैं राजकुमार उर्फ राजा बाबू के गांव से, जो कि हाल फिलहाल में मैं बनूंगा करोड़पति के 7 करोड़ के विजेता बने हैं और उस वजह से चर्चा में आए हैं। उनके गांव वाले जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग उनके खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो आइए, हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं कैमरामैन अजय यादव के साथ लगी तोमर आजकल। अरे बाबूजी, राजा तो ये बस में ना आए। अरे का भइल ते बस से ना आइल था, पिछला बस से आवत होगी। बजावा ए बजावा। करते सभी लोग थक गए हैं। एक लास्ट बस आने वाली है, लेकिन पता नहीं उसमें भी राजा बाबू आएंगे कि नहीं। वो देखिए, वो बस आ रही है। अरे बजाओ, आप देख रहे हैं कि गांव के सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बस में राजा बाबू जरूर होंगे। ये देखिए, लगता है राजा बाबू आ गए। बाबूजी, राजा तो ना आई। सर, आखिरी बस निकल गई और इसमें भी राजा बाबू नहीं आए। आपको कैसा लग रहा है सर? सर, क्या इसमें कोई साजिश है? क्या कहेंगे आप? अब आप क्या करेंगे सर, जवाब तो दीजिए। कहीं राजा बाबू 7 करोड़ पाके बदल तो नहीं गए? अरे चुप रहा तू लोग, जा भाग यहाँ से। शाम हो गई, अभी तक तो राजा ना आये। अरे ये तो हवा सोचत बानी, क्यों ससुरा कहा बा। मुझको तो पिया अब है मदहोशी छाई। तहिली पलंग के पलाई न सकूली उतर जाई। हिली पलंग के पलाई न सकूली उतर जाई। अजब सा मजा है यारा, अजब सी है फीलिंग। अबहीं तो प्यार के होइल शुरुआत बा, आगे कुछ और ही हुई भीतर के बात बा, भीतर के बात बा। मुझ पर दुबिया रखना अपनी परछाई। तहिली पलंग के पलाई न सकूली उतर जाई। हिली पलंग के पलाई न सकूली उतर जाई। दूर क्यों खड़ा है, जरा पास में आ जा। सटला पे कोरी होती यूज उड़ी जाई, आहरा
तहिली पलंग के पलाई न सकुली उतर जाई, हिली पलंग के पलाई न सकुली उतर जाई, हिली पलंग के पलाई न सकुली उतर जाई। अरे पानी बिच पानी बिच पानी बिच नाला हर मारे जवानी, पानी बिच ना पानी बिच पानी बिच पानी बिच ना लहर मारे जवानी, पानी बिच ना। डॉली कर लो ना, मक्खी घुस जाएगी। अब आगे का क्या इरादा है? बहुत नीक इरादा बा। डार्लिंग, मैं इस इरादे की नहीं, 7 करोड़ को 700 करोड़ बनाने का क्या इरादा है? 700 करोड़? मैं किस मर्ज की दवा हूँ जीजू? मैंने सारी पढ़ाई लिखाई इसीलिए तो की है। मेरे पास बिजनेस का एक बहुत बड़ा आइडिया है, जिससे 1 साल में आपके 7 करोड़ 14 करोड़ हो जाएंगे, और 2 साल में 14 करोड़ का 28 करोड़, और 3 साल में ये 56 करोड़, और फिर 4 साल में 112 करोड़। यानी कि 4 साल में जीजू आप ना करोड़पति से, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, खरबपति शंखपति, शंखपति से महाशंखपति। यस यू नो, अरे बाप रे बाप, अरे इतना पैसा हम देख लेब तब तो हम पगला जाए। अब अब डार्लिंग, पागल तो दुनिया हो जाएगी जब यादव ग्रुप ऑफ कंपनीज कंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से 2 कदम आगे हो जाएगी। और जानते हैं जीजू, कंबानी जी भी 5वीं फेल थे। अरे बाप रे बाप, डार्लिंग अपने भाई की मने करा, अब आगे कुछ मत बताओ, हम के चक्कर आवता हम गिर जाए। नो 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 जीजू जीजू जीजू, गिरने का टाइम नहीं है, नोट गिनने का टाइम है। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे कल से काम शुरू कर देता हूँ। हाँ तो फाइनल, हाँ फाइनल। डार्लिंग, तुम्हारे अकाउंट में 7 करोड़ तो आ ही गए होंगे। लाओ चेकबुक हमको दे दो, चेकबुक। जा, हाँ? जा। क्या हुआ? What happened? अरे चेकबुक तो हम लेबे ना कहीं, अरे कबो जरूरते ना पड़ल। अबे अबे, अच्छा कोई बात नहीं, कल हम सब लोग तुम्हारे गांव चले जाएंगे। ना, अरे चेकबुक लेने। ओ अब हमार मतलब तू लोग कहाँ परेशान हो बा, हम जाके लिए आए ना। अभी तो हम बाथरूम जाता नहीं, बहुत जोर से लागल बा। गो गो। वाह भैया, क्या घुमाया इस देहाती गवार को। मैं ना कहता था बहना कि लकी का दिमाग लकी के लक से भी 2 कदम आगे चलता है। इस बंदर को बस इसी तरह गुलाटी खिलाते रहना बहना, देखना मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा बहना, ऐसा घुमाऊंगा बहना, ऐसा घुमाऊंगा बहना। अरे कोई बचाओ, भैया को तैरना नहीं आता। हमरा हिसाब से 2,16,30,000 सरकारी खाता में चल गई। चल गए? ओ बाबा, हमके कोनो टैक्स वैक्स नहीं देवे के? हाँ। अरे राजा बाबू, नियम कानून सबके माने के पड़ेला। एक बात और, जब तक मैं बनूंगा करोड़पति के टीडीएस सर्टिफिकेट और आपके पैन कार्ड, जब तक हमरा बैंक में जमा ना हुई तब तक हम पैसा इशू ना कर सकेला। यार राजा, यहाँ तक खड़े खड़े 2,16,30,000 के चुना लाग गई भाई, चले यहाँ से जल्दी चला, न तो सरकार और ही कोनो नियम कानून लगा दी और हमनी के हाथ में 1 क्वाधेला ना बाची। अरे हाँ, ये कौन नियम है? पैसा हमारा और ले ली सरकार। ये है चेकबुक। दाई हमारा। चुरकी मूछ, वाह बेटा, मूछ मुड़ा के बाबूजी का मार देला, सरादो कर लिया बड़ा की बाकी बा। ना भैया, चोरी चुपके बैंक आये बड़ा, चला तुहार स्वागत करे खातिर बाबूजी बाहर खड़े बानी। बाबूजी, अरे तू कहाँ जाता रख दो ना, चला भैया चला। अरे ये मुचिया चुरकिया रे,
भाई देवर जी बम्बैया हो गए नहीं आ रहा हुआ मोछी चुड़किया में उलझल। चुप रहा तू लोग, पहले ही बतावा तुम्हारे मोबाइल कहाँ बा। मोबाइल मोबाइल तो वही गिलास में गिर गई जे गिलास में हम पियत रहनी। कहाँ पियत रही? बाबूजी अब ठंडा ठंडा पूरा बात बोलन कर। अच्छा चुप, पहले ही बतावा तू लोग कि चार दिन से कहाँ रहले और क्या करत रहले। हम बम्बई में बाबूजी। बाबूजी वो जवन करोड़पति वाला रहे कुल ना वो जबरी रोक लेने पार्टी। चुप, ये बतावा तू लोग के बैंक में सीधे का करे गई रहला। अरे माई वो देखे गई रहनी कि खतवा में पैसा आई लेकिन ना। बाकी 2,16,30,000 के चूना लग गई। पता ना सरकार काट ले कोने टैक्स में। लेकिन बाबूजी मैनेजर जी बतावत रहले हैं एगो और लफड़ा बा। वो का बेटा? जब ले टीडीएस सर्टिफिकेट ना मिली और उकारे पैन कार्ड जो लेना बनी तब ले 1 रुपया ना उतरी। चोपड़ा पैन कार्ड हम बनवा देता नहीं ठीक। अरे पैन कार्ड तो तू बनवा देबा लेकिन माई वो टीडीएस सर्टिफिकेटवा तो मुंबई ना मिली तो टीडीएस सर्टिफिकेटवा हमने के मुंबई से लेके आवत। अब कहे बम्बई में जाके तोरा जरूरत देखे अभी हमें रह के बा तोरा। मुंबई गए लेके तो बड़ा जल्दी ख्याल पड़ गल तोरा के। बाकी एगो बात बताओ हमरा के, जौना लड़की का गोड़े घर में पड़ला से तोर सूतल किस्मत जाग गई और जगरा पूर्ण प्रताप से ते करोड़पति बन गई ले ओकरा ऊपर का बीता था ये तोरा के ख्याल नहीं के पड़त हैं? कबो नजर उठा के देखला ओकरा के हैं? अरे यो कुल हमही के बतावे के परी गोबर भरल है दिमाग में तोरा। जो भीतर जो जो अरे भाभी अरे सुना हमर बात सुना। बतावे के बा ओ कुसुम के बतावा। अरे ई का करत आप? थक गए हो खब पैर दबा देता। देखा कर कोनो जरूरत नहीं के। जरूरत कैसे नहीं खे जी, पति के सेवा कैल एगो पत्नी के धर्म हो खेला। देखा हमरा से दूर रहिया और हमरा करीब आवे के कोशिश मत करिया। हमरा से दूर रहिया और हमरा करीब आवे के कोशिश मत करिया। हमरा से दूर रहिया और हमरा करीब आवे के कोशिश मत करिया। पहले हमार भी आओ करे बात तो। राजा 7 crore नहीं की भाग सकत भाई। भाग देखा तो नहीं कितना भाग। सुना। अरे डबड़ू ये कुत्ते के जैसे ढाबन कहाँ भागल जात मरा। डॉक्टर डॉक्टर कहना कि भागला से सेहत ठीक रहले। अरे राजा ये का बात बा भाई, ये ले भाग रहल बा तू ये ले भाग रहल बा रे। रोज योगा करी ले ना भाऊजी। हाँ मिठाई इनके खियावे के रहला करोड़पति के तो खाते नहीं को। अच्छा अच्छा अरे तेरे भागे के कौन बात बा। अरे चल ला ला आवा खा ला शर्मात काहे बड़ावा ठाई है खा ला पहन ला अब आवा मतलब खा ला हमरो आवा कौन पर कर लिए जैसे जायदा। अरे तू ना जंग अपने सबूत के आवा था आवा था। गलती हो गई भैया गलती हो गई। ठीक है कर ये राजा जल्दी आवा हमें डबरुओं के पकड़ के रख लिया। जल्दी आवा राजा राजा बाहर छोड़ ले मत। आजा अबे रुक सही जरा। अरे 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 कारे कहाँ छुपल बकान चपड़ा? एकरा के ना मालूम ना हमरा के। झूठ बोलवे? अरे पत्रकार फोन बाद में उठाइए बता। बज गइल रे बोल। ना मालूम ना। झूठ बोलवे? कसम से ना मालूम। गोलू कसम खाते ही भैया ना मालूम। तो नहीं की लती आई। ए चाची
नागिन नागिन बेवफा से प्यार हो गया। बच गई नहीं बात काम अब में सुन, देवर जी तुझसे कुछ काला हनका? ये बात के तो दुख बा दीदी, वो हमसे कुछ कहबे ना करे ले। अच्छा अब समझ में आई, पागल कहीं का। देखा देवर जी नया सोच के नया जमाने के हवन, आ तू उनका सामने ऐसे 5 मीटर का साड़ी लपेट के रहबू तो कैसे कुछ कही है? तो के उनका सामने अपन चलवा तो देखा वहीं के पड़ी। हाँ समझ लू, हाँ समझ लू कहा। अबे गोदना, आज डाली के बहुत याद आवता यार। अबे धीरा बोला, अगर कहीं बाबूजी के बात के भनक लग गई तो तहार खटिया खड़ी अब इस तरह गोल हो जाए। अबे चुप कर, जब बोली तब कुछ उल्टे बोली। हमें भाग रहा, हमें भाग जल्दी ना भाग। हाँ, भाई, लेकिन हमने भागत कहे बानी? अरे भाई डॉली वहाँ आ गई यार। कहाँ डॉली? देखो भाई मजाक मत कर यार। अरे यार मजाक नहीं की कर, जोन बॉस गई लाना। मैं अब अपना आँख से देख लिया। अरे गजब हो गई लब का यार। हे भगवान, एक उधर तू कतरा लेने के तोर माई बाप चार धाम के यात्रा पे गई बने। हाँ तो कहे अपने घर की चाबी निकाल। चाबी? अबे यार चाबी निकाल जल्दी, साठ काट मार के जल्दी बस स्टैंड भेजो। बस स्टैंड? और डाली के उसे कुछ पूछो करा पहले होके लेके हमरा घर, यानी तोरा घर, तोरा घर यानी हमरा घर, जल्दी लेके घर। तो हर घर तो हर हमरा तो कुछ नहीं के समझ मत भाई। चाबी दे जल्दी जो। हां ठीक है जल्दी लेके आ। रुको रुको रुको, अब आ आवा आवा जल्दी आवा। यस, ये हमार घर, अब मतलब राजा के घर। चलो 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 चलो, दरवाजा बंद कर दे भैया। आ लो क्या जी, तुम तो अपने वाइफ को भूल ही गए हो। जीजू पहले दिया आशा, बाद में दिया झांसा। अरे ना ना ऐसा कोनो बात ना, गुदना से पूछा अजय याद करता नहीं है ना। तो फिर मुंबई क्यों नहीं आए? देखो तुम्हारी आदमी में आधी हो गई हूँ। उका ना हम तावाई वाला रहनी, लेकिन पैसा में ना मिलल ना, पैसा ना मिलल। अच्छा जबले टीडीएस सर्टिफिकेट ना मिली और उका कल जला रहे पेन कार्ड, वो दोनों मिली तब पैसा मिली, और जैसे पैसा मिले हम मुंबई आ जाए। तू लोग चलो लोग। जीजू तब तक हम लोग भी यहाँ रह कर इंतजार करते हैं। यस। अब अरे ना ना ना, ये गांव देहात है ना, तो यहाँ बहुत धूल माटी उड़ेला। हाँ तो तू लोग यहाँ ना रहे पैबा लोग। अब पैसा मिली तो हम लेके आ जाए। ना ना तू लोग यहाँ रह के क्या कर बालो? तू लोग जाओ सही बात सही बात। चलो मुंबई वापस चला। चल ले चल ले चल। जीजू जब आप यहाँ रह सकते हो जीजू, तब हमारी बहना क्यों नहीं रह सकती है? और जब हमारी बहना रह सकती है तो ये लकी क्यों नहीं रह सकता? जब लकी रह सकता है तो ये जैकी क्यों नहीं रह सकता? बेडरूम कहाँ है? बेडरूम डार्लिंग, तुम मेरे आने की खुशी में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें ये भी याद नहीं कि बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। आई भाभी जी, हम बाथरूम बेडरूम बेडरूम दिखा देंगे। डार्लिंग मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ बनाओ ना। कुछ बनाओ ना। हाँ। भाभी जी आओ ना। हाँ। आओ आओ। जीजू बहना को ना पालक पनीर बहुत पसंद है। अबे भक्त तो पालक के। थैंक यू जीजू। पालक पनीर पसंद,
आज मुसीबत के याद के नहीं आज आ गए। हे भगवान। दुल्हन, तू खाना काहे नहीं खेलुआ बहिले? माई अरे घुमंतुआ के चक्कर में ते अपन खून काहे जरा उतरी बिटिया? सवेरे से सांच हो गई, ओकर कहीं पता चला है? अरे का भइल? का बताई कि का भइल? हम तो ओकरा से परेशान हो गल बानी जी। ई लेकी सवेरे से अनका दाना नहीं डलले मुंह में है? बाकी हो बहे के शरीर में न तो डर बा न तो लाज बा। अरे जब से निकम्मा गोधरा के चक्कर में पड़ल बा तब से ये दिन पे दिन बिगड़ते जा रहल बा। देखत बानी ससुर के नाती के कि कहवा बा, आज ओकर छठी के दूध याद करा दे। हां डार्लिंग जल्दी बनाओ, बहुत भूख लगी है। हां हां बन गई, ले आवत। राजा 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 बाऊजी बाऊजी बहुत गुस्सा में बानी। का बाऊजी रे यहां आवत रे यहाँ अवतरण, तू जल्दी भाग ना तो सब कौन खोल जाए। अरे वहाँ कहाँ जाता बाबूजी होने से अवतरण, तू ना जा। ए भाई सब संभाल लिए? हाँ हम संभाल ले। अरे बाप रे, हे भगवान, ये दोस्ती के चक्कर में का करे पड़ी। चलो तरकारी बना दी। कहाँ रहले हरे? हम तुहरा के खोजत खोजत हरा रहल बाड़ी। बहू कब आई लई बाबूजी? अरे ससुर, हम तुहार ब्याह ई खातिर कैडी कि तू सुधर जाबे। अरे तू सुधरबे का, उल्टे तू और बिगड़ल जा रहल बड़े। एक बात कान खोल के सुन ले राजा, अगर तोहरे कारण हमरा बहू के कुछो भइल त तोहर हाथ गोर तोड़ के घर में बैठा दे। निकम्मा कही के दिमाग खराब करके रख देलस। अरे रमेश के भाई बिना मतलब डांटत रहे। पाव लगी भौजी? ओ अरे आलू पालक की सब्जी, ये सब्जी तो राजा के बहुत पसंद बा, और लाई ना। लेके आई? हाँ हाँ सब्जी सब्जी लाई ना। ली आवा ना, यो खा ले। हाँ ले आवा। अरे तू यहाँ आके खाना खा रहा है? तू यहाँ आके खाना खा रहा बाड़ा है? वहाँ मुंबई वाली भौजी पूरे गांव में खरमंडल नांदे जात रहली है। हाँ हम उनका के बड़ मुश्किल से मना की, अब बाहर से दरवाजा में कुंडी लगा के आईनी है। तू जल्दी करा नहीं तो सगरो खेला गड़बड़ हो जाए। हे भाई तन जो न जाके संभाल भाई जो। हम कुछ ना कर सके नहीं, समझ ले। तू जाना तुहार काम जाने। हाँ हमरा के तो ऐसा लगा था कि तुहारी डबल ड्यूटी के चक्कर में एक दिन हमारा टट्टी निकल जाए। जल्दी आओ। ए सुन ना, ए गोदन, ए ए गोदन, ए ए गोदन। अब अभी ना खेल ही चल गिल देखा। खेल हो गई कवन खेल हो गई, डबल ड्यूटी वाला खेली कैसे खेल। दादा रे मथा फेल हो गई, लागे जाता में पीसा जाए बकेल। दादा रे मथा फेल हो गई। धीर तन धारा बात माना कुछ देर सबर तू करा। अरे दहिया से दहिया के मेल हो गई, खेल हो गई कवन खेल हो गई, डबल ड्यूटी वाला खेली कैसे खेल। दादा रे मथा फेल हो गई, लागे जाता में पीसा जाए बकेल। दादा रे मथा फेल हो गई। स्टार्ट जी, रात
बाटे बाकी हो बात बाटे बाकी सजिया पे कुल्ही खुर्रा फात बाटे बाकी छनके लचुड़ी खनक जाला कंगना सुर हो सिंगार खोजे प्यार तो हर सजना अरे भागला ऐसे जैसे जेल हो गए खेल हो गए हो कवन खेल हो गए डबल ड्यूटी वाला खेली कैसे खेल दादा रे माथा फेल हो गए लागे जाता मैं पिसो जाई बगे दादा रे माथा रे फेल हो गए नो बोले बाना कहिया में आई हार सबूत बहिया में तान ले हब तो होके किस लेके करवा में बांध ले हब तो होके ना जाने के साथ तू है हसबे बाहों में आ जाओ कर दो ट्रेंड खेल हो गई कवन खेल हो गई डबल ड्यूटी वाला खेली कैसे खेल दादा रे माथा फेल हो गई लागे जाता मैं पीसा जाई बकेल दादा रे माथा फेल हो गई और नौसो गुंडा मर गई लें झुलनिया तर दबा गोदना के घर से रजवा चोरी छुपे काहे जाता कुछ ता लफड़ा 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 गोधन तो अपने घर पे होगा तो ठीक है लेकिन तू लोग के बड़ा सुखा पंखी लगा बढ़िया आई एम लकी एंड ही इज माय फ्रेंड जैकी यस गोधन अरे गोधन अपने घर पे होगा बताया ना अरे पर ये गोधन का ही घर अरे है क्या हुआ भैया अरे ये क्या क्या हुआ रहुआ के मैं राजा की पत्नी हूँ हाँ। रहुआ राजा की बीबी है तू क्या ए दुल्हन जी माँ जी बड़की दुल्हन से कह दा कि तरकारी लेके आवे हम काट देता हूँ ए घुघरू जी मालिक रमेश के भाई हम तरी खेते में जात बड़ी अच्छा जी आई राउर ससुराल अरे सोचत का बानी अपना घर बा आई ना राउर रिश्तेदारन से मिलवा दिया मैं अरे इला चच्चा यही बाड़े ये बाड़े श्रद्धेय सम्माननीय राउर ससुर जी ए भाई साहब इनसे मिली आदरणीय जेठ जी अरे मातो जी बानी का आईला ये राउर श्रद्धेय सासू माँ अरे भौजी खड़ा बनी भौजावन सरकारी लेके खड़ा है राउर जेठा नहीं तू लेन कहां बनी हो अबला सबसे खास रिश्तेदार राउर सौतन कुसुम देवी अरे रुका ला, इनकर परिचय तो हम आप लोगों से करवाइबे ना कह दी तो सुनी ई है राजा बाबू के पत्नी डॉली देवी मुंबई वाली ए चच्चा अरे राजा बाबू कहां बड़े हो You!
चाचा बाबू रख ले दुगो मेहरारू, मुंबई में शादी कैला सरऊ तू पी के दारू, पकचक पकड़ा जा बाबू रख ला दुगो मेहरारू, मुंबई में शादी कैला ले अब समार कमीना। जीजू सरपंच जी, ई राजा जात बिरादरी गांव समाज के मुंह पे कालिक पोत के ऐसन घिनौना काम कइले बा कि शर्म भी शर्म के मारे शर्मिंदा हो जाए। सबसे पहले ई गांव के भोली भाली लड़की कुसुम से ब्याह कैलस, ओकरे साथ जिए मर के कसम खैलस, हर सुख दुख में ओकर साथ देवे का वादा कैलस, और ओकरे बाद यहाँ देखी इस शहर के भोली भाली लड़की के फसौलस, झूठा प्यार का झांसा देके अपना हवस के शिकार बनौलस। ई वासना का पुजारी है राजा, एका सिर्फ एक का काम है भोली भाली लेकिन के अपना प्यार के जाल में फंसा के उनका जिंदगी बर्बाद कैल। अरे ई राजा ई समाज के नाम पे कलंक है, ऐसन व्यभिचारी और दुराचारी समाज खातिर घातक होने, एकरा चलते सरपंच जी हमरे जैसन सीधा साधा नौजवान का भविष्य खतरे में बा। आप लोगन से विनती बा महाराज कि राजा के सिर्फ जात बिरादरी से ना, गांव समाज से मुँह करिया कह के कर निकाल दे जाओ। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है सरपंच जी, ये हमारा बेटा के फसावे के साजिश है। दीनदयाल जी, पंचायत के काम में दखल अंदाजी मत करी, का सही हो का गलत हो एकर फैसला पंचायत करी। डॉली तोहार राजा से का संबंध हो? राजा मेरी बहना का पति है। तू चुप रहा, ये पंचायत हो, सवाल जकरा से कल जला जवाब भी उहे देला। डॉली जवाब द। मैं राजा की पत्नी हूँ। एकर का सबूत हो कि तू राजा के पत्नी हो? चेक लगी, ये है सबूत, सबूत। राजा ये सब का सच बा? हाँ। डाली हमार पत्नी बड़ी। तो फिर ई के बा? इनका से हमार बियाह भइल बा, लेकिन हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा। हम इनका के कबो अपन पत्नी नहीं के मनले, और ना ही कबो अपना पत्नी के दर्जा देले बने। हम अपने पत्नी के दर्जा सिर्फ डाली के देले बने। कुसुम अब तोहार का कहना हो। ई सच बात बा सरपंच जी, ई आज ले हमरा के अपन पत्नी ना मन ले, लेकिन हमरा मन मंदिर में पति के रूप में यह समाइल बाड़े, यही से जो ना चीज में इनकर खुशी बा वही चीज में हमरो खुशी भी बा। डॉली अब तू का चाहता रू? मैं राजा को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। दोनों पक्षों के बात सुनला के बाद पंचायत ए फैसला पर पहुंचल बा कि दीन दयाल के छोटका बेटा राजा दुगो शादी के अपराध कई ले बा, बाकी पति के छत्र छाया से वंचित रहला के स्थिति में राजा के संपूर्ण चल और अचल संपत्ति मुआवजा के तौर पर कुसुम के दिहल जाता, जौना में राजा के जीतल 7 करोड़ रुपया भी शामिल हो। चूंकि राजा व डॉली साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहल चाहता रे, ये खातिर राजा डॉली के सुपुर्द कइल जाता। अब डॉली राजा के लेके कहीं भी जाए ले स्वतंत्र बाड़ी। भाई, ए रमेश का भाई, रमेश का, ए जल्दी, हाँ, सही सही,
हटी चल चल माई माई रुवा लोगे जा रुकी रुकी बहना बहना सुनो तो सही भैया ये तो सारा पाशा ही उल्टा पड़ गया सारी दौलत ले गई वो देहाती कुसुम और मेरे हिस्से में आया मिट्टी का ढेर जाहिल गवार राजा अब उसका क्या मैं अचार डालूं बहना राजा साहिल गंवार जरूर है पर वो मिट्टी का ढेर नहीं है अरे वो तो हमारे लिए बेरर चेक है बहना बेरर चेक एक बार अकाउंट में अमाउंट शिफ्ट होने की देरी है फिर देखना उसे हाथों हाथ में जाकर कैश कर लूंगा नहीं भैया मैं अभी जा रही हूँ और कह रही हूँ कि कुसुम को राजा दे दो और मुझे पैसे बहना अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना वरना ये राजा नाम का बोझ जिंदगी भर सर पे ढोना पड़ेगा चिंता मत करो बहना कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर क्योंकि लकी का लक लकी के लक से भी दो कदम आगे चलता है बहना लकी ये सब छोड़ो हा? पहले ये चल के देखो वो ओल्ड लेडी जिंदा है या मर गई मर जाए तो ज्यादा अच्छा है आओ बहना चलो आओ एक्सक्यूज मी आओ डॉक्टर साहब माइके का भाई अब माई की तबीयत कैसन बा अब का हाल बा डॉक्टर साहब देखा लोग उनकरा के बहुत बड़ा सदमा लागल है और राजा खास तौर पे तू ई बात के ध्यान में जरूर रखिया कि उनका दोबारा सदमा ना पहुंचे वरना उनकर जान भी जा सकेला सरपंच जी हम पंचायत के फैसला के सम्मान करत बानी बाकी हमारा पंच लोगन से एगो विनती बा जब ले राजा की माई पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब ले राजा के रोक ली न तो बेटा के दूर जाए के गम में सदमा बर्दाश्त न कर पाई मर जाए दीन दयाल जी सब पंचन के ई राय है कि जब ले राजा के माई पूरी तरह ठीक नखी हो जात तब तक राजा के एजे रहे के पड़ी लेकिन हम बहना पर तब तक मैं कहाँ रहूंगी इहो कोनो पूछे वाली बात है अरे जहाँ राजा रही है वहाँ तू रह सकेलो का दीन दयाल जी मंजूर बा ना ठीक बा तो आई चली कागजी कार्रवाई पूरी कर ली हल जा चले पंच लो माई के लेके तू घर आ जाइया ठीक बाबू जी पक चिक पक राजा बाबू चल गई लो कर जादू जे भैल से भैल अब गुस्सा थूक दी और ये पीठ ठंडा एक बात बताओ अगर ते हमारा जगह रहते तो का करते लोग के कमरा दिखा दो जी डॉली अबे सुना नहीं मालिक ने कहा दो कमरा दिखाने के लिए हाँ कहले तो हूँ मैं तो सोच क्या रहा है अबे मालिक करवा लो के वास्ते ये दोनों कमरा दिखाओ कहले हाँ बाकी हम सोचता नहीं रवा लोग के वास्ते ये दोनों कमरा ठीक ना होई अच्छा और रवा लोग के तो बड़का बड़का होटल में रह कर थो ना तो अगर हम से बड़का वाला रूम दिखाई ता ब्रदर नौकर तो मालिक से भी ज्यादा समझदार लगता है हाँ यार ए सुन ऐसी कोई जगह है क्या यहाँ पे कहीं ओकरो से ज्यादा बढ़िया चल खाना भी हाथ से खाए के जरूरत नहीं के देख जाए मुहे में और हाँ पानी भी हाथ से निकाल के पिए के जरूरत नहीं के डायरेक्ट जाए मुहे में और इतने ना हवाओं मुतो खाती कहीं जाए के जरूरत नहीं के उहे हवा उहे मुटा लैट्रिन बाथरूम अटैच अरे साहब मजा वाला बात अभी बताइबे ना कहीं नहीं अरे वाह बताओ बताओ हाँ, खुद से रोल के नहा के ना पड़ी खसखस मसाज के साथ वहाँ नहा जाई ऐसी जगह तो मुंबई में भी नहीं है नहीं। लेकिन वो जगह है किधर है
यू रास्कल, तो कौड़ी का नौकर हमसे मजाक करता है, मैं तुझे चांस। भैया ये गांव के लोग कितने बदतमीज होते हैं। यस, चलो। हाय हो हमार लाल, तोगे छोड़ के कहीं न जाए भाई, हम कहीं न जाए, बस तू जल्दी से ठीक हो जा, तू चिंता मत करा, हम कहीं न जाए। राजा भैया उजन समान गोधन गड़े पड़ल बा, तो क्यों लो मंगोले हलो? मैं हम अभी आवता नहीं, चल। माई देखा लोगन, देखा नहीं ना, वो चकचनहरी की एक बुलावा पर दो मिलावत पहुंच गल, चुहार कहीं के। अरे बिटिया बिटिया रोवा जीन, अरे तू का बुझे दरू, हम बेवार बनी। अरे ना रे पागल, हम एकदम ठीक बनी, देख हमरा के कुछ नहीं के भइल। जीन रोवा बिटिया ना रोए के, हमरा कुछ नहीं के भइल। वो का बुझे दिया, वो है गुनोटंगी बाजविया, अब ओकर असली पाला पड़ल बा नौटंकी बात से। देखे उ डाल डाल चली तो हम पात पात चलन, देखिए हमरे बेटा की कैसे लेके जाले यहाँ से। तू तनखो चिंता मत कर बिटिया। बिटिया जब वो यहाँ कुछ दिन रही ना हमार बेटा राजा, तो ओकरा खुद समझ में आ जाए कि का सही है और का गलत, समझाई ना करा कीजिए। अरे तू चिंता जिल कर बेटी। हाँ। हमरा राजा के हमली से छीन ना पाए। हाँ। वो जो ना वक्त के इंतजार कर रहल बानी ना, उहे वक्त के इंतजार हमहु कर रहल बानी। इंतजार इंतजार, आखिर कब तक? मैं इस घटिया कमरे में नहीं रह सकती। बहना ओ, बहना जब तक पैन कार्ड और टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, तब तक हमें यही रहना पड़ेगा बहना। अकाउंट में एक बार अमाउंट शिफ्ट हो जाए बहना, फिर देखना, हम उनसे सौदा करेंगे और कहेंगे राजा बाबू लो और पैसे हमें दे दो, फिर देखना बहना, जिंदगी भर ऐश करोगी बहना, ऐश ही ऐश। डॉली खूब मन लगा के पड़ जा। हेलो जीजू। हेलो ए घुगरू, एक बोरा भी छाना। बहु जी बाबूजी, ये कुकरन के भी खाना देना जी। हेलो आई एम नॉट कुकुर, आई एम लकी एंड ही इज जैकी। यस, हमने क्या खास मेहमान के कुकुरे कहा जाला। ओके वेरी देन आई एम लकी कुकुर, ही इज जैकी कुकुर। बैठ कुकुर। ओके थैंक यू। ओके बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो। हमने के यहाँ आदमी का खाना खाइला के बाद औरत खाना खाली, सब पहले ना। व्हाट रबिश, भूख किसी का इंतजार नहीं करती। ए लड़की। एक्सक्यूज मी, मैं लड़की नहीं आपकी बहू हूँ। जोर जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करा। हाँ। मेहमान बारू तब मेहमान बन के रह। मैंने सुना है गांव में पति का झूठा खाना भी एक रिवाज है, लीजिए खा लिया मैंने। मेहमान बारू देख कर बतबी ना कि तू जोर बदतमीजी करबू, वहा बर्दाश्त कर ले। ए बहू जी बाबूजी, कल से ये लोग के खाना ना बनी, ये लोग अपन खाना खुद बनाई और खुद खाई और साथ में ई होकलिए के साथ खाई। निकम्मा कहीं की। हाँ हाँ बना लेंगे। हाँ। जैकी चलो कल से अपना हाथ जगन्नाथ। देख ले आँख खोल के एक उहा कि तोहरे सामने से तोरे मुंह के निवाला लेके चल गई एगो हमार बहू है, चुहा पर निवाला तोहरे सामने रख गई। कब चोर कही का खारी बाबू का। ए चुनमुन के माई कहाँ बाड़ू हो? हाँ हाँ आवत है। मरल लोग के भी ना खाना खेला के बाद एक के गो काम आवेला, फूलो की का पता कि हम औरतन के खाना खेला के बाद भी बहुत सारा काम होला। हाँ तो दीदी आप जाई ना, हम कुल बर्तन धो देता नहीं। सच में जाई का? हाँ दीदी जाई ना, वैसे भी आज हमरो मन ना बहुत कच्चा कच्चा सा लगा था जात भानी। हाँ कुसुम तू चिंता मत करा, तोहरो के एक दिन ना देवर जी ऐसे ही परेशान करिया। अरे आवत नहीं बाबा।
गेहूं खाके सुत गईल वैसा जानवा छोड़ न कलाई धोले बेदो बरा तनावा सब गेहूं खाके सुत गईल वैसा जानवा छोड़ न कलाई धोले बेदो बरा तनावा प्यार तोर खातिर पूरा रात बाट बाकी बतावा गोरी के बाद टाइम होला खाली पति के छोड़ा कुली काम आजा बिना दिया पति के रात भर लगे रहो कलो तो निसाकर तब ले चढ़ाव राजा तकिया पे कवर चले नहीं दे हम आज तो हरो चला के बतावा गोरी छोड़ा कुली काम रानी रहो हमरे पास हो ताहरा से दूरी नहीं होता बरदास हो पी कोई लकाए राजा लाज वाले हाज हो रोज के मजा लगे ले ले बाज हो खुला बखिड़की के बाड़ी सबे झांकी खुला बखिड़की के बाड़ी सबे झांकी बतावा गोरी कपले राजा बाबूजी इसा कह रहे एक बात सुन एकरा ला सरबा किलाऊ हमने की जानत बाकी हमरा ला सरबा एक बात कान खोल के सुन ले आज के बाद अगर ऐसा भइल त फिर सोच भी चल रे डली डली सब का हो रहा बा दिखता नहीं है क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ अरे तो यह छतवा पे जगह मिला और कहीं ना जगह रहा क्यों यहाँ पे क्या बुराई है बुराई यहाँ ना तोरे छोट छोट कपड़ा में बा देखा कैसे लोग आँख फड़ फड़ के देखा था ये गांव है शहर ना अब सब लोग देख रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सुना डाली अब तो के क्यों घूर घूर के देखी था हम क्या अच्छा लगी चला ना है अरे कनवा इतना लात खाई ले लेकिन सुधर लेना अरे हमरा के छोड़ जबन दू मेहरारू के चक्कर में तू बिसाता रे ना आपन सोच राजा हाँ माई तो के तो देख ले एक दिन अरे
महिला ओकरा के दे ओकरा के मैं ही जीतूंगी। डॉली हाय जीजू। हाँ जोकर यप खाना बनाओ ला सब सामान लेकर रख दो बनी जाके खाना बना ला लोगन। भैया जाओ। मुझे खाना कहाँ बनाने आता बहना जैकी। मुझे भी नहीं आता लकी। अब राजा तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ? जाओ ना प्लीज। हाँ ठीक बाना। हाँ हम बना देता नहीं। हाँ, खेला लो। ओके क्या हो गया? आज तुम्हारे ना तो आज हम खाना ना बना सकेला। चुनमुन जी दादाजी अब तरी तू जा। ठीक बा दादाजी। हाँ डॉली आंटी आपको खाना बनाने नहीं आता है ना? नहीं मुझे खाना बनाना आता है। नहीं आता है मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर जाओ बना के दिखाओ। ठीक है मैं तुम्हारे लिए और तुम सबके लिए खाना बना के दिखाती हूँ। घुगरू खाना डॉली डॉली। अरे चुनमुन अब तोरे खातिर चॉकलेट लेवे चलो। डॉली गंदा लोग घर में आ गल बड़ा ऐसे घर अपवित्र हो गल बा। तई भइला की गोबर से लिप पोत के पवित्र कर लिहल जा। हाँ दीदी और ई गोबर तो दवाई के भी काम करेला ना। एकर महक से दिमाग के गंदा कीड़ा कुल मर जाला। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। जानवर का लैट्रिन लेके हाथ से फैला के पूरा गंदा कर रहे हो घर। तुमसे तो बात करने में भी घिन आ रही है जाहिल कहे की। बड़ी आई बताने वाली। जा जल्दी से जा। अब तुके तो हम बता बताने कि गोबर का चीज हो खेला। चुनमुन जल्दी आवा। चलो मुझे खुजली हो रही है।
मुझे कुछ नहीं, पुलिस पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, मैं क्या करूं? कॉल नहीं लग रहा, एम्बुलेंस एम्बुलेंस मंगाओ। और क्या हुआ बहना? मैं कुछ नहीं, अरे फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ यार। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे यार एक खुजली तक गोबर लगावला से जाई ना। हाँ दीदी, लेकिन ई गोबर के छुई है कहाँ? गोबर तो जानवर के लैट्रिन होला, गंदा हो खेला ना। बहना नो, बहना नो, बहना नो, बहना टट्टी, बहना टट्टी, जानवर का टट्टी, बहना टट्टी, बहना टट्टी, आई मीन जानवर का टट्टी, बहना नो। क्या करूं मैं बहना? चुप, अबे चुप, अरे बहना नो, डोंट डू दिस बहना, अरे अबे हट बे, अबे बहना बहना ये रोक लो बहना। सब ठीक है बहना? उस्ताद अंग्रेजी दारूबा नीट पिए तो कलेजा जल जाई। अरे कलेजा तक कब से जरत है गोलुआ, ये करेजा तो तबे ठंडा होई जब वो रजवा के मुंह पे कालिक पोताई। ये कौन बड़ा मुश्किल काम बा? एक आइडिया आ गई, अगर गड्ढा खन के पानी डाल के ओमे करिखा मिलाई के अगर तू रजवा को में ढकेल दा तो मुंह का पूरा शरीर करिया हो जाए कागल। हाँ डोलू। उस्ताद जी। अरे कौन ना मनोज घड़ी में तोनी के अपन चेला बनाऊनी रे, तेरा मुंह रख। अबे करिखा का बात ना करता नहीं, हम बेइज्जती का बात करता नहीं, और ओकर बेइज्जती तो तब होई जब बात ओकरा इज्जत पे आई, और ओकर इज्जत है शहर वाली। अब पता चलियो रजवा के माला पहनने का अंजाम का होला। मालूम नहीं के हम पता करो रे। अरे बहुत जानवर हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ मत जोड़ा, आ जाओ आ जा जा। अरे तू तक कहाँ बालू हो, अब तो पूरी रास लीला बाकी हो। राजा हमरा घर के इज्जत पे और हमरा घर के इज्जत पे हाथ डाल के तू अपना मौत के दावत दे ले बार। आज तोड़ा के जिंदा ना
खेत पर मजदूर आवे वाला बा, जाके सारा गेहूं कटवा लिया। बाऊजी हमरा के कृषि विभाग के ऑफिस जाए के बा, रहुआ एक काम करी घुंघरू आके भेज दी। अरे घुंघरू बाजार गई बा, तो रहुआ चल जाए। अरे हमरा घुटना में इतना दर्द हो रहा बा, हम कैसे चल जाए? तब के जाए बाऊजी? अब हम कह जाने के जाए? बाऊजी हम चल जाए का? ठीक बा, अगर तोरा जाए के मन बता तू जा सकेला। ठीक बा जा तनी। सुना पूरा खेत कटवा के आई हा, एने उन्ने घूमे मत चल रही हा। हम चाहता नहीं किसी भी बात। कुसुम अरे ई गोबर गोइठा पागल तू छोड़ा, जा जल्दी से खेत पे। देवर जी खेत पर गए लन गेहूं कटवावे, तू गतान लेके जा जल्दी। देवर जी से अकेले में मिले के ऐसे बढ़िया मौका तो के ना मिली। उत्साहरी हरवे में भी का पता खेत का हरियाली देख के देवर जी भी तो कहरा भरा कर दे। चल जल्दी।
नहीं मेरा खब तो के दिल में बसाई हम हाय मीठी मीठी बतिया प्यार के छतिया से लगब दिलदार के हो पूरा हाय जय है मोरा और मनवा पूरा हाय जय है मोरा और मनवा की बोले जिया पिया पिया हो मन के पंछी उड़े आस मनवा की बोले जिया पिया पिया हो सुन लू सब झूठ रहे। अच्छा ये बतावा, जब आज तक हम कुसुम के छुअबे ना कहनी तो वो माई कैसे बन जाई? सुनो ना, I don't believe you। हम सही कहता नहीं, तोरा के भड़कावे खातिर पूरा घर मिलके नाटक कहले बाड़े सा। हम सही कहता नहीं, प्लीज हमार विश्वास करो ना, प्लीज। माई तरकारी अच्छा बनल बा। यू जाहिल गवार नौटंकी, तू क्या समझती है? तेरे नाटक करने से राजा तेरा हो जाएगा, तुम उल्टी करोगी तो राजा के बच्चे की माँ बन जाओगी। तुम गांव की औरतें होती ऐसी हो, मुंह काला किसी और के साथ करती हो और बच्चे का बाप किसी और को बनाती हो। डोले, तू अपने जुबान पे लगाम दे, वरना वरना क्या क्या कर लोगे? अरे ते खड़ा वहां का करता रे। अरे जौना कोक से हम तोरा के जन्म देली, इस हरी बिगड़े वही कोक के गाड़ी देतिया। हम गांव वालन के बच्चन कहतिया रे, और तोरा के कुछ बुझाते देखे चुपचाप खड़ा बड़े पगला गल बड़े का रे। डाली अपन कहल वापस ला और माई से माफी मांगा। माफी माई फट। यस, आओ दीनदयाल। दीनदयाल, अरे सब्धी जी मत कहा हमारा के सब्धी। तू हमार सब्धी ना, दुश्मन बड़ा दुश्मन। तू और तोहर बेटा हमारा बेटी के जिंदगी बर्बाद कर रहल बड़ा लोग। लेकिन याद रखा, हम तू लोगन के बर्बाद कर दे, फांसी पर चढ़ा दे पूरा खानदान के। बाबूजी, खबरदार, अगर एकरा आगे हमरा घर वालन के कुछ कहनी है तो हमरा परिवार के खिलाफ एगो शब्द भी कहे के आपके कोनो अधिकार ना हो। लेकिन बेटी, ये लोग तोहरा साथे विश्वासघात के ले बा, और तुहारी पति अपन दूसर शादी कह के तुहार दुनिया उजाड़ रहल बा।
और तू कहता हो कि हम चुप रहे? ये हमरे घर के आपसी मामला है बाबूजी, और हमन के आपसी मामला के बीच में आपके दखल अंदाजी देवे के कोनो जरूरत ना हो। बाकी कुसुम बेटी, हम कोनो गैर ना, तो हर बाबूजी हैं। हाँ बाबूजी, आप हमार बाबूजी हैं, लेकिन जे दिन आप हमार कन्यादान का देनी, वही दिन से हम ये घर के बहू हो गए नी बाबूजी। हमार सास ससुर हमके बहू ना अपन बेटी जैसन माने ले। बाबूजी, हमार ई बाबूजी हमके कबो आपके कमी ना महसूस होके दे ले। हमार जेठ जी हमेशा एगो बड़ भाई होके के फर्ज निभवलन, और जेठानी जी हमके आपन छोट बहिन माने ली बाबूजी। अब रह गई बात पति के, तई जान ली बाबूजी, हम पिछला जन्म में जरूर बहुत नेक काम कैले हैं, यही से ई जन्म में हमके इनकरा जैसन पति मिले। वाह बेटी वाह, तुहार विचार सुन के हमार मन गदगद हो गई। भगवान तोहरा जैसन बेटी हर आदमी के दे। भगवान तोहरा के खुश रखे, सदा सुहागिन रखे, सदा सुहागिन रखे। जरूर हम पिछला जन्म में कौनो न कौनो अच्छा कर्म कैले हो, यही से हमरा बहू के रूप में हमरा बेटी मिल गई। कुसुम, हमरा समझ में नहीं आवत कि हम तोहर शुक्रिया कैसे अदा करी। आप ऐसन काहे सोचता नहीं? कैसे ना सोची, जौना घर के मान प्रतिष्ठा के रक्षा हमके करे के चाहिए, ओकरा के हम खुदे नीलाम कदले बनी, और आज तू हमरा घर के प्रतिष्ठा के बचौलू। हमरा तो समझे में नहीं आवत कि हम कहां जाके मुंह छुपा। ऐसा मत कहीं जी, हम कोनो एहसान ना कहीं नहीं, हम ये घर के बहू हैं, और बहू रहला के नाते खाली अपन कर्तव्य के निर्वाह करनी हो बस, और कुछ ना। काश हम अपने कर्तव्य के निर्वाह कर पाती। बधाई हो देवरानी जी, बधाई हो। कम से कम देवर जी के अपन गलती का एहसास तो भई। खाली एहसास कैला से का होई दीदी, हम तो आज भी उनके खातिर पराये बानी। पागल कहीं के, जब सावित्री अपना पति का प्राण यमराज से छीन के लेके आ सकेली, तई सहरी का औकात जे तोरा पति के तोह से छीन सके। अरे हाँ, कल ना तीज का त्योहार है, तू खूब मन से भोले बाबा के मनैया, उ तोहार सुहाग तोहरा के जरूर लौटा दी हन। अब चला हजरता, हाँ?
जा तैयारी करा जा। डाली माई से माफी मांगा, माई से माफी मांगा। सिस्टर 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 ओपन द डोर सिस्टर। क्यों हंस रहे हो? अरे तुम सुनोगी तो तुम भी हंसोगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे राजा को तुमसे छीनने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। इन बेवकूफों को ये भी नहीं मालूम कि तुमको राजा नहीं सिर्फ मनी चाहिए, मनी। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अरे वो क्या बोलते हैं गांव में, तीज। तीज तुम्हारी सौतन है ना कुसुम, वो राजा को पाने के लिए तीज का व्रत रख रही है। इससे क्या होगा? अरे सिस्टर उन लोग का मानना है कि व्रत रखने से बहुत शक्ति आएगी और शंकर भगवान खुश हो जाएंगे, तुमसे राजा को छीन के कुसुम को दे देंगे। बेवकूफ लोग। दीदी ये साड़ी कैसन बा? अच्छा बात। सुनिए आई एम सॉरी। मशीन नट जा। मैं भी तीज व्रत करूंगी। तीज व्रत? जी। अरे तीज व्रत कल को ना तोता उड़ावल काम ना हो, जे आइलू पिजड़ा खोलू आ तोता हो गेल पुर। तू शहर का लड़की लोग का जनबू हो कि तीज कैसे कल जाला। जा अपन काम करा जा। क्यों काहे से कि तीज व्रत में ही छोट छोट कपड़ा उतार के साड़ी पहने के पड़ेला। मैं पहनूंगी। अरे इतना आसान काम ना होला, तीज व्रत में पूरा एक दिन और एक रात भूखे पेट रह के पड़ेला और तोरा से तो एक मिनट भूख बर्दाश्त ना होला। तू कैसे रहू तीज व्रत है? रह लूंगी। दीदी इनकरा के तो गोबर से घृणा आवेला ना। हाँ इका भूखियन तीज के व्रत, तीज में तब पूरा घर के गोबर से लीपे के पड़ेला उहो अपना हाथ से। मैं लीपूंगी। ठीक बा तो काल हम जोन जोन कहब वैसे वैसे कह लिया। जी भाई। यस बहना तो सही एक्टिंग कर रही है भाई। यस ब्रदर। Thank you.
हर के बिनती सुन ला दे बहुत आशीष गौरी शिव के जोड़ा जिए जग में लाख बरीस ए सुहागिन के माथा पर हक धर दा भोला तीज के बराती सफल कर दा जिए राम असरा के दिया वाजा रावणी दुखिया चाचू। अरे गोदन भैया। हाँ भाभी। कसम तबियत बा आपका। ठीक 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 ठीक। कहाँ कट ले रहा है? अरे कुछ ना सब ठीक। अरे माई हम ठीक बानी। ठीक तो बानी बेटा। सब ठीक बा भैया। अरे गोदन कैसा बा तोहर तबियत? अरे कौनो बात नहीं के बाबूजी सुई दे दे ले बा एकदम ठीक हो जाए कौनो। ये रमेश एक रखे उठावा आ ले चल खटिया पर रखा। अरे नाना बाबूजी। अरे चुप जब तक तोहरे भाई बाबूजी चारों धाम से ना आ जाइ हन तब ले तू लेकिन हमार हजामत करके सामान तू घर में रह गइल बा। अरे अरे चल चल ठीक है ले चल। अरे भाभी खाना निकाला ना बहुत जोर से भूख लगल बा। रउआ के कुछ होश खियाल बा का भाई? कुसुम अब ही ले आपन व्रत निखे तोड़ ले ओही तरह भूखल पियासल पड़ल भी का है? जैसे कि रउआ के कुछ पते नहीं खे कि जब ले एगो तीज का सुहागन अपन पति का आशीर्वाद ना ले ले तब ले व्रत ना तोड़े ले लेकिन रउआ के का फर्क पड़े वाला बा वो खाओ पियो चाहे ना खाओ पियो जी ये चाहे मर जाए रवा के वो देवता माने ले लेकिन रवा देवता ना पत्थर है पत्थर। लकी भैया लकी भैया अरे आप आ गए आप जल्दी अंदर आइए ना मुझे आपको कुछ दिखाना है प्लीज जल्दी आइए। कुसुम सबका ड्रामा होता हाँ का जब पंचायत में एक बार फैसला हो गई तई खाना पीना छोड़ के का साबित कर जाता रू ये सब खाना पीना छोड़ला से कुछ होके वाला नहीं खे अब चल जो खाए के बाद तो खो नहीं तो मत खो। सजना खन 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 कल मोर कंगना जब से छूट हला हो सजना खन 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 कल मोर कंगना दिल के धड़कन बजाए सहनाई आवे लागल ए राजा समझ में आए का होला प्यार बुझाए एहसास समझ में आए का होला प्यार बुझाए हाल दिला
से नजरिया मिलाई, कैसे तोह से नजरिया मिलाई। सलवा पहलिया बुझे नहीं पावे के हो नियति के खेलिया, जिंदगी जाने कौन मोड़ पे ले जाए, कैसे तोह से नजरिया मिलाई, कैसे तोह से नजरिया मिलाई। सगरो भुलैनी पति के धर्म का होला उहो ना निभैनी, हम ते जन्म जन्म तोह के पाई, आवे लागल ए राजा अंगड़ाई हो, आवे लागल ए राजा अंगड़ाई। टका 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 टका। इश्क हुआ कैसे हुआ, जैसे हुआ अच्छा हुआ, ना मैं जानू दादाजी। ए राजा इला इका बाबूजी तो अरे चेकबुक और ई तुहा टीडीएस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। अब खरा खरा मौका देखा तुम्हारा, जा बैंक से सारा पैसा निकाल कर लिया हुआ आ सीधे बहू के हाथ में देना। और हाँ ओकरा बात तू कही चल चल, कौनो बात का चिंता नहीं की। और हाँ हमरा कहे से तू इतना दिन रुक गई ला ओकरे खातिर धन्यवाद बाबूजी। वैसे भी देवर जी रउआ के तो हीरोइन जैसन बेहरारू चाहत रहल ना, देखी भगवान राउत सुन लेलन और रउआ के तो हीरोइन दे देलन। हाँ बेटा हम हो एकदम ठीक बानी, डॉक्टर कहना है कि कोनो दिक्कत ना है, है? अब तू बेफिक्र होके जा सकेला। बाबूजी, बाबूजी हमसे गलती हो गई बाबूजी, हम कहीं ना जाए बाबूजी, उनके माफ कर दे। तू का समझेला क्यों तोहरा से प्यार करेली, का बोला? अरे उधर तोरा पैसा से प्यार करेली, सुना जा पूरा पैसा निकाल के उकरे हाथ में दे दा, फिर देखा पैसे के कमाल। हाँ जा। हाँ बाबूजी। जैकी यस चलो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आएगी
आएगी बहना। खटका राजा को दे जाना है पैसा, लेके यहाँ से निकल जाना है। खुशखबरी है बहना, राजा को कुसुम से प्यार हो गया है। अब पैसा तुम्हारे पास खुद ब खुद चलकर कदमों में आने वाला है बहना। नहीं भैया, मुझे पैसा नहीं, राजा चाहिए। ये क्या बोल रही हो बहना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे राजा से प्यार हो गया है। क्या? अगर दौलत रहेगी बहना तो ऐसे सैकड़ों राजा तुम्हारे कदमों में होंगे। करोड़ हाँ। हमला जीजू जीजू। अरे लकी तू यहाँ किसे? जीजू आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है जीजू कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मतलब? मतलब ये जीजू कि ये बैग हमको दे दे। जीजू बैग दे वही खातिर ले अलमानी, तोरा के ना तोरा बहन के दे। बहना ये बोझ नहीं उठा पाएगी जीजू, ये बैग हमको दे दो जीजू। दे दो जीजू। गुड जीजू। ये बनेगा करोड़पति। चल बे जैकी। मैं बनूंगा करोड़पति। मैं बनेगा करोड़पति। इतना भारी बोझ लेके कहाँ भागत आ रहा है? डोलू गोलू। आज ताज। अरे राजा बाबू का तनी बोझ हल्का करा संद्रे। जा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी। लकी का लक लकी से भी दो कदम आगे चलता है राजा बाबू, समझे क्या? वो बैग हमको दे दो राजा बाबू, अभी प्यार से समझा रहे हैं, नहीं तो बहुत ही बुरा कर देंगे। गर्दन काटू क्या?
अरे पगला गेल बड़ा का करोड़ रुपया दी कुसुमिया खातिर ई तो खुदा चाहता कि एकरा जिंदगी से दूर चल जाए ना डमरू पहले हम अंधा रानी असली हीरा हमारे घर में रहे और हम ये कागज के नोट के पीछे भागत रानी लेकिन अब हमारा आंख खुल गेल बा कुसुम के आगे ये रुपया के कोनो मोल नहीं के लकी हमारा धर्म पत्नी के छोड़ दे इले भाई हाँ राजा बाबू हाँ आ जाओ हाँ दे दो राजा बाबू हमको दे दो हाँ हमको दे दो राजा बाबू राजा ये बेग ओकरा के दे दा जे एकर मालकिन हा सुनिए इसकी मालकिन मैं नहीं कुसुम है इसे ले जाकर कुसुम को दे दीजिए हाँ एकर मालकिन कुसुम बा लेकिन एकर जरूरत तोरा के ज्यादा बा बैग ला और जा यहां से मैं सुन रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाए राजा सौदा भी पूरा नहीं के भाई जा जाके जमीन जायदाद के कागज लेके आवा तब जाके सौदा पूरा हुई मैं राजा के लिए दुनिया की सारी दौलत को ठोकर मारती हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ राजा चाहिए चलिए राजा हम तोरा साथ है ना जाए क्यों कहे से कि अब हम कुसुम से प्यार करी ले रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी कल तक तो आप मुझसे प्यार करते थे और आज आज आपको कुसुम से प्यार हो गया है तब कहाँ गया था ये प्यार जब भरी पंचायत में आपने मुझे अपने पत्नी होने का दर्जा दिया था आप चुप क्यों हो गए जवाब दीजिए अभी सरपंच जी भी यही मौजूद है कह दीजिए कि आप इनके फैसले को नहीं मानते राजा हैं। पंचायत के फैसला तो के माने के पड़ी सरपंच जी हमारे बेटा के बच जाए थी नहीं तो हमारे बेरारू मर जाए हमारा राजा के हमरा से दूर मत करी दीन दयाल जी हम मजबूर बने पंचायत के फैसला अटल बा राजा कल सुबह तो के डॉली के संगे जाए के पड़ी वरना अंजाम बुरा हो जाए चला पंच लो
माफ कर दो। बहुत मजबूर बानी हम। भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा कैमरे से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाँव पर ताली भौजी। सुगनवा सुगनवा कहवा उड़े रे चलने हो, मोरी बगिया के सोना सुगनवा सुगनवा कहवा उड़े रे चलने हो। पूछे निमिया से पूछे निमिया से पुरवा पवनवा चलने हो, मोरे बगिया के छनेला भीतरे परनवा सुगनवा कहवा उड़े चलने हो, मोरे बगिया के सोना सुगनवा सुगनवा कहवा उड़े चलने हो, मोरे बगिया के। उठो बहन, मत रो,
अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। ये सच है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। मैं राजा से सच्चा प्यार करने लगी हूँ और अपने प्यार में स्वार्थी होके एक परिवार से उनके बेटे को छीनने जा रही थी, एक पत्नी से उसके पति को छीनने जा रही थी। राजा, मैं आपके शरीर को ले जाके क्या करती? आप आत्मा और दिल से तो कुसुम के हो चुके हैं। मैं आप सबके गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, आज मुझे जी भर के रो लेने दीजिए। समझ में आए का होला प्यार बुझाए, हाल की नवाब हम बताए, कैसे तोहसिन नजरिया मिलाए, कैसे तोहसिन नजरिया मिलाए।